तो अब जो है बेसिकली क्विक सॉर्ट है क्या, इसमें और मर्ज सॉर्ट में वाजे फर्क क्या है? तो और ये बेहतर है या क्विक मर्ज सॉर्ट बेहतर है, तो इसको हम यहाँ पे आज देख लेते हैं। कहता है कि क्विक सॉर्ट में भी हमें जो डेटा दिया जाएगा, इफ यू हैव अ डेटा सेट इन द लीनियर एरे फॉर्मेट, आइदर इन द न्यूमेरिकल और आइदर इन द करेक्टर और स्ट्रिंग फॉर्मेट, यू कैन अप्लाई द क्विक सॉर्ट ऑन दिस डेटा। इट इज नॉट एसेंशियल कि यू विल अप्लाई ऑन द न्यूमेरिक डेटा। You can apply quick sort or any kind of the sorting algorithm in any kind of the data. This might be the character, it might be the string, it might be the basically in numeric data or some sort of. तो हम basically जो देखते हैं normally समझाने के लिए जिसमें हमें आसानी होती है वो ये कि ये एक numeric data है मिसाल के तौर पे, और ये दिया हुआ है 10, ठीक है, ये है आपके पास 15, ये है 2, ये 6, ये 11 एंड 13 एंड 9। अब अगर इसको सॉर्ट करना चाहते हैं आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो मर्ज ने कहा था कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये दो इक्वल पार्ट्स में। अच्छा, यही क्विक सॉर्ट भी ये कहता है कि वी हैव टू डिवाइड दिस गिवन डेटा, यानी डिवाइड एंड कंकर के बेसिस पे अगर कर रहे हैं वर्ड हमारे पास यही है डिवाइड एंड कंकर, तो बेसिकली हम यही कहेंगे ना कि इसको डिवाइड करना है। तो क्विक सॉर्ट ने डिवाइड के लिए वर्ड इस्तेमाल किया कि वी हैव टू डिवाइड इनटू बेसिकली स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी मिड से कर देंगे, और जो अगला मिलेगा उसको भी मिड से कर देंगे, ठीक है, और जो अगला मिलेगा उसको मिड से कर देंगे, और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि सिंगल एलिमेंट में ना पड़े। तो ये तो क्विक ने कहा और मर्ज ने कहा। क्विक सॉर्ट ये कहता है कि जो आपको पास गिवन डेटा आपको दिया गया है इसको आप डिवाइड करेंगे, लेकिन एक पिवट एलिमेंट के थ्रू करेंगे, और पिवट एलिमेंट जो है वो बेसिकली पूरे डेटा में से कोई सा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है। पिवट यानी आप बेसिकली उसको एक रिजिड हार्ड कोडेड कर देंगे, तो उससे राइट वाला जो है उसका एक हाफ हो जाएगा, यानी हाफ से मुराद एक पार्ट हो जाएगा, हाफ कहना मुनासिब, एक पार्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला दूसरा पार्ट हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली अब मसला ये है कि अब मर्जी ने कहा था कि आप तो बिल्कुल मिड से कर दें, लेकिन क्विक सॉर्ट में पॉसिबल है कि जो डिवाइड करने का प्रोसीजर है वो ये करे कि इस तरह डिवाइड कर दे, या हो सकता है कि डिवाइड करने वाला जो प्रोसीजर है जो आप अभी अडॉप्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है उसको यहाँ से डिवाइड कर दे, पॉसिबल है कि वो उसको बिल्कुल मर्ज की तरह डिवाइड कर दे, ये भी पॉसिबल है। तो क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन द पिवट एलिमेंट कि आप बेसिकली यहाँ पे पिवट एलिमेंट को यूज कर रहे होते हैं और उसके बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसमें इन्होंने लिखा है क्विक सॉर्ट लाइक द मर्ज सॉर्ट अप्लाइज द डिवाइड एंड कंकर पैराडाइम, यानी ये भी डिवाइड एंड कंकर पैराडाइम में है, और इसके अंदर हम बेसिकली इसको भी रिकर्जन से ही सॉल्व करेंगे। तो कहता है हियर इज द थ्री स्टेप्स डिवाइड एंड कंकर प्रोसेस सॉर्टिंग टिपिकली सब एरे ऑफ ए टू पी आर, यानी पी स्टार्टिंग एलिमेंट है एरे का और आर जो है वो आखिरी इंडेक्स है। इस दिए जाने वाले एरे के को हम बेसिकली सब एरे के अंदर डिवाइड करके सॉल्व कर रहे होंगे, जिस तरह से हमने अपने क्विक मर्ज सॉर्ट के अंदर जो है सॉल्व किया था। ये बुक के पेज नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो आप, मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप बुक को जरूर पढ़ें, बुक के पेज नंबर आपको मिल जाएगा, ये तकरीबन 175-173 पे है ये क्विक सॉर्ट का टॉपिक, तो आप जो है उसको जरूर जाके पढ़ें ताकि आपको आसानी हो कि जो बातें ये कट पेस्ट किया गया सारा वहीं से बुक से किया गया। उसने कहा कि डिवाइड में क्या होगा कि आप बेसिकली इसकी पार्टीशंस करेंगे, और पार्टीशन किस तरह करेंगे कि पार्टीशन रीअरेंज द सब एरे ए टू पी आर, ये गिवन है, ये यूजर ने दिया है पी टू आर को सॉर्ट करने के लिए, इन टू पॉसिबली एम्प्टी सब एरे, यानी दो सब एरे के अंदर आप इसको डिवाइड करेंगे, एक है पी क्यू माइनस वन तक और एक है क्यू प्लस वन से आर तक। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको अगर लिखूं तो एक एक जो है अगर आपको दिया गया है ये एरे, और ये एरे आपको दिया गया है पी से लेकर आर तक इंडेक्स के साथ, ठीक है, आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक पार्ट आपने बना दिया इसका यहाँ पे जो पी से स्टार्ट हो रहा है और क्यू माइनस वन तक बना दिया, क्यू माइनस वन तक, अच्छा बीच में एक पार्ट क्यू का जो है वो एज इट इज रहा, या क्यू माइनस वन है तो ये क्यू हो जाएगा, और आपने यहाँ से शुरू नहीं किया बल्कि इसको छोड़ के अगले वाले एलिमेंट से शुरू किया जो कि क्यू प्लस वन से है शुरू हो रहा है और ये जा रहा है आर तक।
इसका मतलब है एक बीच में क्यू जो है वो आप छोड़ रहे हैं, यही वो पार्टीशन एलिमेंट है जिसको हमने बेसिकली कहा कि इस एलिमेंट से उसको पार्टीशन कर दिया। इट इज नॉट एसेंशियल कि इट इज इन द बिटवीन मिड टर्म मिड ऑफ द टू सब पार्ट, बट लेकिन जो भी होगा उसको शामिल नहीं करेंगे अगले पार्टीशन के अंदर। ठीक है, यहां तक एक हो गया। लेकिन पिछले मर्ज सॉर्ट में हम शामिल कर रहे थे किसी एक के साथ। अगर मिसाल के तौर पर मर्ज कह रहा था कि आपका मिसाल के तौर पर ये कुछ पार्टीशन की टेक्निक है, आपने कहा कि ये मेरे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपने कहा कि यहाँ से पार्टीशन करना है, तो ये वाला आपके पास P से लेकर Q तक था, तो P से लेकर Q तक पूरा शामिल था और अगला वाला Q प्लस 1 से लेकर R तक था, तो इसमें कोई चीज छोड़ नहीं रहता, इसमें आपने ये Q जो है छोड़ दी, इसलिए कि ये बेसिकली जो हम इसको एलिमेंट को बेसिकली इसमें शामिल नहीं कर रहे अगले पार्टीशन में, ये हमारा पिवट एलिमेंट है और ये सॉर्टेड एलिमेंट है। यानी जब हम क्विक सॉर्ट करते हैं तो जो पिवट एलिमेंट हमारा सेलेक्ट होके आता है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक होगा, पिवट एलिमेंट सेलेक्ट होगा पार्टीशन के लिए, तो जो पिवट एलिमेंट आता है इसके लेफ्ट साइड पे इससे छोटे एलिमेंट होते हैं। हमारे रूल जो हम अप्लाई करेंगे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम जो अप्लाई करेंगे उसमें क्यू से लेस एलिमेंट होंगे, यानी ये एलिमेंट लेस होंगे, और यहाँ पर क्यू से बड़े एलिमेंट होंगे और क्यू जो है वो अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा, उसको पिवट एलिमेंट भी कहते हैं, और अपनी सॉर्टेड जगह पे आके बैठ जाएगा। इससे भी लेकिन ये जो एलिमेंट है ये सॉर्टेड नहीं होंगे, ये एलिमेंट सॉर्ट, लेकिन ये तय होगा कि ये एलिमेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं ये क्यू से बड़े ग्रेटर होंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट दिए गए वो क्यू से छोटे होंगे, बट नॉट सॉर्टेड। अब अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो वी विल अप्लाई अगेन द क्विक सॉर्ट इन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और जब इसको करेंगे तो इसमें भी ऐसे होगा, हो सकता है कि एक क्यू यहाँ मिल जाए जो कि सॉर्टेड होगा, और ये सॉर्टेड होगा इसके रिस्पेक्ट से और इसके रिस्पेक्ट से, और ये अपनी जगह पर आके बैठ जाएंगे। सही है, इस तरह से ये चलता रहेगा प्रोसीजर जब हम करने जा रहे हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में कहते हैं कि वन पार्ट इज कॉल्ड पी टेन टू क्यू माइनस वन एंड अदर इज क्यू प्लस वन एन टू आर सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ द पी क्यू माइनस वन इज लेस देन द क्यू, लिखा हुआ नजर आ गया कि ये क्यू से छोटा होगा। ठीक है, विच इज इन द टर्न लेस देन और इक्वल टू द ईच एलिमेंट ऑफ द Q प्लस वन एन आर, और ये खुद जो है वो Q प्लस वन आर कॉमा वन से लेकर R तक के एलिमेंट से छोटा होगा। कंप्यूट द इंडेक्स Q एज पार्ट ऑफ द पार्टीशन प्रोसीजर, और Q को हम पार्टीशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया डिवाइड। कंकर्व में सॉर्ट द टू एरे सब एरे पी क्यू माइनस वन से पी बाय रिकर्सिव कॉल टू द क्विक सॉर्ट, यानी हम कंकर्व ये करेंगे कि उसको दोबारा से हम बेसिकली सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसको दोबारा से हम क्या कर रहे होंगे पार्टीशन बनाएंगे, क्योंकि देखें इसमें पार्टीशन बनाते वक्त ही इसकी सॉर्टिंग होती जा रही है, ये सॉर्ट होता जा रहा है, ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया, यहाँ पे जब पार्टीशन बनाएंगे तो ये एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, यहाँ जब पार्टीशन बनाएंगे तो जो क्यू आएगा वो सॉर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा कि हम इसको बेसिकली डिवाइड करते हुए सॉर्टिंग करने की तरफ जा रहे हैं। फिर कहता यह है कि कंबाइन बिकॉज ऑफ द सब एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड नो वर्क इज नीडेड टू द कंबाइन दैम, और हमें इसको कंबाइन करने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस केस के अंदर कि जब आप इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं तो वो बेसिकली फर्दर डिवीजन जो है डिवाइड यानी फर्दर डिवीजन जो है वो कंपेयर भी करता जा रहा है, यानी आप इसको डिवाइड करते जा रहे हैं और वो आपको एलिमेंट सॉर्ट होता जा रहा है। तो ये प्रोसीजर जो है वो क्विक सॉर्ट के अंदर लगाया जाए, इसमें कोई बात समझ में आई हो तो। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एरे है, ये हमारे पास एरे 2, 8, 7, 1, 3, 5, 6, 4, और अगर इसको कहते हैं कि सॉर्ट करो तो हमारा मेन मकसद ये होगा कि हम इसको बेसिकली पहला पिवट एलिमेंट ढूंढें कि इसको डिवाइड किससे करना है। मर्ज सॉर्ट होता तो हम कहते हैं कि इसको जो है वो बेसिकली इसके मिडिल से डिवाइड कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये तो मर्ज सॉर्ट कहता। लेकिन यहाँ पे हमें पिवट एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पिवट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो पिवट एलिमेंट ढूंढने के लिए हमें इस पे एल्गोरिथम अप्लाई करना होगा कि वो पिवट एलिमेंट लॉजिकली मिलेगा, हो सकता है यहाँ भी मिल सकता है, हो सकता है यहाँ भी मिल सकता है, यानी पिवट एलिमेंट इस सेल में से कोई एक एलिमेंट होगा। तो इस तरह हम इसको बाउंड्री नहीं कहेंगे, हो सकता है पिवट एलिमेंट ये वाला हो सकता है पिवट एलिमेंट ये वाला हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये हमारी मर्जी, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि पिवट एलिमेंट हम इसमें आपकी मर्जी, आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, पहला एलिमेंट में पिवट हो सकता है, लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है, तो हम इस वक्त जो एल्गोरिथम यूज करेंगे उसमें लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट कहेंगे, ये फोर जो है पिवट एलिमेंट। अब अगर फोर पिवट एलिमेंट है तो फोर को हम ऐसी जगह पे लाके बिठाएंगे जहां पे उससे लेफ्ट साइड पे उससे छोटे नंबर और राइट साइड पे उससे बड़े नंबर, यानी मिसाल के तौर पे अगर फोर पिवट एलिमेंट है तो फोर को अपनी इस जगह से उठ के ऐसी जगह पे आ जाना चाहिए
जहां पर इससे लेफ्ट साइड पे इससे छोटे नंबर और जहां पे इससे राइट साइड पे इससे बड़े नंबर होंगे। तो हमारे प्रोसीजर में हमेशा जो हम यहाँ पे एल्गोरिथम लिखेंगे उसमें हमेशा लास्ट एलिमेंट को पिवट कहेंगे। आप फर्स्ट एलिमेंट को भी पिवट कह सकते हैं, थोड़ा एल्गोरिथम चेंज करना पड़ेगा, या इन बिटवीन किसी को भी कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है जैसे अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे तो आपको एल्गोरिथम में भी चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो इन दिस केस वी आर फॉलोइंग द बेसिकली बुक, तो बुक हैज डिसाइडेड टू सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट एज अ पिवट एलिमेंट, so we are following the book, so we will say also the last element, the pivot element, the working of for the pivot element to adjust that pivot element in the appropriate place in this array, and such that the right side is should be the greater than the pivot element and left side of element should be the lesser elements of the basically pivot element. ठीक है, ये हमें यहाँ पे करना है। तो इसके लिए procedure लिखना है, यानी अगर मैं देखूँ तो कोई ना कोई procedure, कोई ना कोई steps तो लिखने पड़ेंगे ना। मैं अपनी मर्जी से फोर को उठा के यहाँ नहीं रख सकता, मैं कहूँगा फोर को यहाँ रख दो और वन को उठा के यहाँ रख दो, मिसाल के तौर पर। तो अभी भी हमारा मसला हल नहीं हुआ, इसके लेफ्ट साइड पे इससे बड़े एलिमेंट है, इसके राइट साइड पे इससे छोटे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो वी हैव टू बेसिकली वेरी केयरफुल टू एडजस्ट द फोर इन द एप्रोप्रिएट प्लेस, के वो कहाँ कौन सी जगह होगी जहाँ पे फोर को हम रख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने इसको चलाया, रन किया इस पूरे प्रोसेस को, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, एंड सो ऑन। एंड देन फाइनली जब ये यहाँ पहुंचा है तो देखिए फोर, अब ये स्टेप्स कुछ चले हैं, ये पासिस चलाने के बाद इसने सिर्फ एक पहला पिवट एलिमेंट को उठा के रखा है, फोर यहाँ पे आके प्लेस हो गया, नजर आ रहा है फोर जो ये प्लेस हो गया। अब ये फोर जो प्लेस हुआ है यहाँ पे, इसको आप देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे इससे छोटे एलिमेंट है, इसके राइट साइड पे इससे बड़े एलिमेंट, और लेकिन जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है वो कुछ सॉर्टेड नहीं है और राइट साइड वाला एलिमेंट भी सॉर्टेड नहीं है। इसका मतलब हमें लेफ्ट और राइट, अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, पहला पार्ट जो है वो ये वाला हो जाएगा, यानी जो लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट साइड वाला पार्ट, और उसके बाद इन दोनों पे सेपरेटली वही अप्लाई करेंगे जो अभी हमने अप्लाई किया, क्या कि अब इसको उठाएंगे, इसको पिवट एलिमेंट कहेंगे और एट को अपनी अप्रोप्रिएट जगह पर लाके रखेंगे, थ्री को उठाएंगे, थ्री को पिवट कहेंगे और उसको अप्रोप्रिएट जगह पर लाके रखेंगे, और उसके बाद फिर उसके बाद जहां पे ये पिवट आ जाएगा उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यानी अगर एट को देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करने के लिए जो भी प्रोसीजर लगाएंगे ना, एट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि एट इस वाले सब एरे में अपनी एप्रोप्रिएट जगह पे है, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट है, इस वक्त यही एक पिवट एलिमेंट होगा और इसी जगह पे होगा। तो जो अगला हमें मिलेगा सब एरे इसमें वो ये वाला मिल जाएगा, यानी अगला सब एरे जो मिलेगा यहाँ पे वो ये वाला सब एरे मिल जाएगा। अब हमारे पास दो पिवट एलिमेंट अपनी जगह पे एडजस्ट हो गए, एक ये एडजस्ट हो गया और एक एट एडजस्ट हो गया। तो अगला जो सब एरे है हमें वो इस तरफ वाला ये मिलेगा, इसका पिवट एलिमेंट भी इतफाक से अपनी जगह पे एडजस्ट हुआ है, हम इसको लास्ट एलिमेंट को पिवट कहेंगे और ट्राई करेंगे उसको एडजस्ट करने के लिए, तो ये एडजस्ट होके यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, एडजस्ट होके यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद अब ये 200 में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा जो है वो ये वाला आ गया और एक हिस्सा जो ये, तो ये पिवट एलिमेंट के तौर पे एडजस्ट हो गया। तो हमारे तीन पिवट एलिमेंट एडजस्ट हो गए, एक थ्री हो गया, एक फोर हो गया, एक एट हो गया, लेकिन दो सब एरे हमारे पास अभी इससे मौजूद है, एक ये वाला सब एरे और एक सब एरे, इन दोनों को भी अप्लाई करेंगे पिवट, तो हम कहेंगे लास्ट एलिमेंट पिवट एलिमेंट है, जब लास्ट एलिमेंट पिवट एलिमेंट होगा तो रूल के मुताबिक इसको इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, यानी इस तरह से वर्किंग करेंगे कि लास्ट एलिमेंट जो पिवट एलिमेंट है उसके राइट पे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। ये तो खटखट हो चुका है, अब हमारे पास जो एलिमेंट है बेसिकली वो ये वाला एलिमेंट है, यानी ये दो एलिमेंट की बात होगी, ठीक है, इन दो एलिमेंट की। तो जब हम इसको वन को पिवट एलिमेंट कहेंगे तो इसके लिए वर्किंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वन जो है वो यहाँ आ जाएगा और टू जो है वो यहाँ चला जाएगा और ये पिवट एलिमेंट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। जब पिवट एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाए और आखिर में एक एलिमेंट बच जाए तो इसका मतलब है इसको हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना, तो वन टू थ्री सॉर्ट हो गया और फोर तक सॉर्ट हो गया, और यहाँ पे ये चार एलिमेंट तीन एलिमेंट को हम सॉर्टिंग करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के सिक्स पिवट एलिमेंट है, समझ आ रही बात है, सिक्स पिवट एलिमेंट को करेंगे तो सिक्स को जब वर्किंग करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि सिक्स के राइट पे बड़ा एलिमेंट, सिक्स के लेफ्ट पे छोटा एलिमेंट है, डेफिनेटली सिक्स को कहाँ होना चाहिए होगा, फिर सिक्स यहाँ आ जाएगा, सेवन यहाँ आ जाएगा और फाइव यहाँ आ जाएगा सॉर्टिंग के बाद, यानी पिवट एलिमेंट सिलेक्शन के बाद। और इसके सिक्स के राइट साइड पे एक एलिमेंट है, सिक्स के लेफ्ट साइड पे एक एलिमेंट है, सिक्स खुद पिवट एलिमेंट बन गया है और इसके लेफ्ट साइड का ये पार्टीशन हो गया। अब जब पार्टीशन हुआ वो खुद एक एलिमेंट हो गया तो हमें फर्दर पार्टीशन की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया, फाइव सिक्स सेवन है, तो क्या मिल गया हमें, वन टू थ्री। तो हम इसको डिवाइड करते गए पिवट एलिमेंट के बेसिस के ऊपर और सॉर्ट भी करते गए, ठीक है, और हमें सॉर्टिंग मिल गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है। तो ये प्रोसीजर हमें अख्तियार करना है, तो इसमें मेजर पार्ट ये है कि आप जो है पार्टीशन ढूंढे और पार्टीशन ढूंढने के साथ साथ जो पिवट एलिमेंट है उसको अपने एप्रोप्रिएट जगह पे जाके रख भी दें।
एक बात ये करनी है, और जब आपको पिवट एलिमेंट मिल जाए और दो पार्टीशन भी मिल जाए तो मजीद फिर दोबारा से उन दो पार्टीशन के ऊपर यही अप्लाई करें, उन दोनों पार्टीशन के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये वर्किंग जो है वो करता रहेगा और आप जो है वो क्विक सॉर्ट के थ्रू जो है वो अपने रिजल्ट को हासिल कर सकेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें कोई बात पूछनी है तो मैं दो मिनट वेट कर लेता हूँ ताकि आप हैंड रेस करके पूछ लें, मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए। जी ये बातें करने को बंद करें, मुझसे पूछ लें सवाल। ये दूसरा पिवट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे जब पहला एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाएगा, ये जरा सर दोबारा से रिपीट कर। देखो रवाल देखो, ये हमने ये वाली जो आई वाला पोर्शन है, ये पहला पिवट एलिमेंट नजर आ गया आपको? जी रवाल साहब अभी आप ऑन है। जी सर ठीक है, ये फोर आ गया। अब आपके पास ये पिवट लास्ट एलिमेंट को कहा था, उसको एप्रोप्रिएट जगह पे बिठा दिया, वो क्या प्रोसेस लगाया ये तो मैं अभी दोबारा अभी समझाऊंगा एल्गोरिथम में, ये कौन सा एल्गोरिथम लगा के हमने पिवट के तहत इसको सेलेक्ट किया है, लेकिन पिवट को अपनी एप्रोप्रिएट जगह, लेकिन पिवट अपनी जगह पे आ गया। अब आपके पास दो सब एरे नजर आ रहे हैं, एक सब एरे ये है और एक सब एरे ये है, दीज टू आर बेसिकली सब एरे, एक सब एरे ये आ गया, एक सब एरे ये आ गया। अब आपको इन दो सब एरे पे बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है जो आपने मेन सब एरे मेन एरे पे लगाया। सपोज करो अब आपके पास ये एक एरे है, तो इसको इसके लिए आप अब पिवट एलिमेंट किसको कहेंगे? आप कहेंगे मेरा एट पिवट है, क्योंकि हमारे रूल के मुताबिक ये तो इत्तफाक यहाँ पे इस तरह हो रहा है, हर दफा नया केस नया सिचुएशन आएगा, तो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली पिवट एलिमेंट आ गया एट, और जब मैं इसके लिए वर्किंग करूंगा कोई भी एल्गोरिथम जो बेसिकली उसको उसके एप्रोप्रिएट जगह पे लेके जाए एट को, तो मेरे पास इस वक्त एरे जो है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला एरे है। और जब मैं एट को इसके क्योंकि एट को पिवट कहा है मैंने, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, हमारे रूल के मुताबिक हम लास्ट एलिमेंट को पिवट कह रहे हैं, तो एट को जब हम पिवट एलिमेंट कह रहे हैं तो एट जो है बेसिकली इसके लिए वर्किंग करेंगे कि अपने एप्रोप्रिएट जगह पे बैठ जाए। एप्रोप्रिएट जगह किसको कहते हैं? इसके राइट पे इससे बड़ा एलिमेंट हो, इससे लेफ्ट से इससे छोटा एलिमेंट हो। जब हम इसको इस वर्किंग इस तरह से वर्किंग करेंगे इसके लिए, तो आपको लग रहा इस वाले एरे में नजर आ रहा होगा कि एट सबसे बड़ा एलिमेंट है, उसके राइट पे तो कुछ हो नहीं सकता, लेफ्ट पे ही एलिमेंट आएंगे, तो लेफ्ट पे जो एलिमेंट है वो हमने कहा एज्यूम करो कि यही एलिमेंट लेफ्ट पे आ जाए, और एट जो है पिवट एलिमेंट बन गया। तो एट पिवट एलिमेंट बन गया तो दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक एट से राइट जो कि कुछ भी नहीं है, एट से लेफ्ट जो कि ये एग्जिस्ट करता है। जब राइट पे कुछ नहीं है तो राइट वाला सब एरे जनरेट ही नहीं होगा, लेफ्ट वाला सब एरे जनरेट होगा जो कि ये रहा, तो उसमें तीन एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो गए, एक फोर सॉर्ट हो गया और एक एट सॉर्ट हो गया। अब आप दोबारा से जाहिर है इसको करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पहला सब एरे बना था, तो इसमें भी इत्तेफाक से कि लास्ट एलिमेंट का पिवट है, क्योंकि इस वक्त हमने लास्ट को कहा हुआ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट इज नॉट एसेंशियल फॉर यू टू से द लास्ट एलिमेंट एज अ पिवट एलिमेंट, यू मे से दैट बेसिकली द फर्स्ट एलिमेंट एज अ पिवट एलिमेंट, तो ये द वर्किंग इज इंटायरली चेंज, एल्गोरिथम होगा वो चेंज हो जाएगा। आप किसी भी एलिमेंट को पिवट कह सकते हैं, बट हम कोई आसानी वाला केस चूज करें तो पहला और आखिरी में से किसी को कहना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इन बिटवीन किसी को कहा जाए, लेकिन इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो आपने कहा कि इस वक्त हमने जो है वो बेसिकली लास्ट एलिमेंट को पिवट कह के जो है वो रन कर रहे हैं, इसलिए इस वाले पार्ट में भी लास्ट एलिमेंट पिवट एलिमेंट हो जाएगा, और इसके रूल के मुताबिक थ्री को इसके एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाएंगे, तो इस वक्त थ्री इस सब एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट है, लिहाजा इसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं होगा, लेफ्ट साइड पे ये दो एलिमेंट आ जाएंगे। जब ये दो कट हो जाएंगे तो यकीनन थ्री अपने एप्रोप्रिएट जगह पे आ जाएगा और ये दो नए सब एरे मिल जाएंगे, एक 2-1 का और 7-5-6 का, ये दो सब एरे हैं और तीन एलिमेंट आपके जाके अपने एप्रोप्रिएट जगह पे बैठ गए, 3, 4 और 8। अब समझ में आ गया, तो इसके बाद ये फर्दर वर्किंग, अब हमें देखना ये है इसके बाद फर्दर वर्किंग जो है वो इसकी होगी, तो हमें देखना ये है, हमें एज अ ह्यूमन तो लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एज अ कंप्यूटेशन जो है रिकर्सिवली ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए बाजू का ऐसा स्टूडेंट सोचता है कि सर ये तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो है ये वर्किंग में तो बहुत हार्ड है, लेकिन ये तो मेरे और आपकी वर्किंग में हार्ड लग रहा है क्योंकि हम सोच रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको बेसिकली जिस अंदाज में सॉल्व कर रहा है उसके लिए ये आसान है, उसके लिए आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक। तो
यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया वर्किंग। अब आते हैं इसके एल्गोरिथम पे कि एल्गोरिथम इसका कैसे चलेगा और इसके दूसरे केसेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे आज। तो कहता है ये है कि मिसाल के तौर पे अगर हम क्विक सॉर्ट को, और इसी से रिलेटेड मैं क्विज भी ले लूंगा आपका आज ना, ताकि आप इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये अगर हम इसके एल्गोरिथम की तरफ जाएं, तो हमने ये दो स्टेप समझ में आए जो उसने बताया। तीसरा स्टेप कंबाइन का तो है ही नहीं, क्योंकि वो दो स्टेप है, एक बेसिकली तोड़ने का है और एक बेसिकली सॉर्टिंग का है, पिवट एलिमेंट सिलेक्शन का है। तो आपको अंदाजा होगा कि जो ब्रेक हो रहा है, यानी अगर मैं इसमें इस तरह से कहूँ कि जो ब्रेक हो रहा है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस एलिमेंट और मेकिंग द पार्टीशन दिस एलिमेंट, तो आप इसमें दो सब एरे पहले नहीं बनाते। गौर सुनिएगा, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि दो सब एरे पहले नहीं बनाते, बल्कि आप कहते हैं कि पहले इसका पिवट एलिमेंट को इसके एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाओ और उसके बाद दो सब एरे ढूंढो। ठीक है, तो पहले आपने इसके पिवट एलिमेंट को सब एरे पे बिठाना है, एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाना है, और जहां पर भी जाके वो बैठ जाएगा उसके बाद इसके लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को दो सब एरे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने बोलो सर, ये इनिशियली पिवट एलिमेंट की जगह कैसे हम बनाएंगे, मतलब इनिशियली पिवट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को कहते हैं। जो भी पिवट एलिमेंट होगा वो एरे का, जिस जो भी एरे होगा, चाहे वो सब एरे हो या मेन एरे हो, उसका लास्ट एलिमेंट पिवट एलिमेंट होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारी अजम्पशन। ठीक है, पिवट एलिमेंट आ सकते हैं सर, मतलब जितने भी लेफ्ट में आइटम है उसके, उन सब से कंपेयर किया जाए उसको। हाँ, वो प्रोसीजर हम लिखने जा रहे हैं अभी। Whenever you will select the pivot element, यानी आप जब pivot element select कर लेते हैं, तो अगला task ये है, क्योंकि अब हमें partition करना है ना इसके basis पे। जब आप pivot element select कर लेंगे, तो आपने कहा ये मेरा pivot element। अगला task ये है कि we have to basically put this one as a appropriate place। अब उसको appropriate place पे put करने के लिए या insert करने के लिए हमें algorithm चलाना पड़ेगा। ये उठेगा यहाँ से, और उसके बाद, और इसके हमने क्या rule रखा है कि जिस जगह जाके set होगा, जिस जगह जाके इसको हम इंसर्ट करेंगे, उसके लेफ्ट साइड पे इसे छोटे एलिमेंट होंगे और इससे राइट साइड पे इसके बड़े एलिमेंट होंगे, तभी तो ये हम कहेंगे कि ये सॉर्ट हो गया। सोचो, यानी ये चीज एलिमेंट जहां पे भी जाके बैठेगा, उसके लेफ्ट साइड पे इससे छोटे एलिमेंट हो, चाहे सॉर्टेड हो या ना हो, लेकिन सारे के सारे छोटे हों, तो इसका मतलब है ये अपनी सही जगह पे आया हुआ है, और इससे आगे इससे सारे बड़े एलिमेंट हो, चाहे सॉर्टेड हो या ना हो, लेकिन सारे बड़े हों, तो इसका मतलब है ये अपनी एप्रोप्रिएट जगह पे आके फिट हो गया। इस पूरे डेटा के अंदर ये पिवट एलिमेंट अपने से इसके अंदर फिट हो गया, यानी सही हो गया, और उसके बाद दो पार्टीशन हम इसके बेसिस पे यहाँ पे कर देंगे। सही समझ में? तो दो स्टेप हैं, पिवट ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारे एल्गोरिथम में, हमने पिवट को ढूंढना नहीं है, पिवट तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि पिवट इज द लास्ट एलिमेंट। मैंने फिर ये बार बार बता रहा हूँ कि पिवट इज नॉट एसेंशियल टू द लास्ट एलिमेंट, हमारे केस में लास्ट एलिमेंट, तो हम अपने पिवट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट कह रहे हैं, लेकिन टास्क ये है कि इसको इसके एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाना है, सच दैट द लेफ्ट साइड शुड बी द लेसर देन द पिवट एलिमेंट एंड द राइट साइड शुड बी द ग्रेटर देन द पिवट एलिमेंट। ये रूल हमें लगा के पिवट एलिमेंट को एडजस्ट करना है, ताकि हमारा पहला पार्टीशन जो है वो जनरेट हो एंड देन फर्दर पार्टीशन। तो वो कहता है कि अगर जो आप पहला टास्क करने जा रहे हैं, फर्स्ट टास्क जो करने जा रहे हैं कि फाइंड द पुट, यानी पार्टीशन बनाने के लिए, ये पार्टीशन का एल्गोरिथम कॉल किए कि आप पार्टीशन का नाम इसलिए दिया है कि पिवट एलिमेंट हमें पता है लास्ट है, उसको एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाएंगे तो दो पार्टीशन बन जाएंगे। तो वो बेसिकली हम यहाँ करने जा रहे हैं। पास क्या कर रहे हैं? एरे पास कर रहे हैं जो यहाँ से हमें मिला है, इसका पहला इंडेक्स पास कर रहे हैं और लास्ट इंडेक्स पास कर रहे हैं, यानी जो भी एरे, क्योंकि इसमें APR इसलिए लिखा जाता है कि सेकेंड टाइम जो है ना, जरूरी नहीं है कि ये बेसिकली शुरू और आखिर, यानी अगर यहाँ से ब्रेक हो गया है तो अब आपके पास एरे जो है सब एरे, आप इसको पूरा एरे पास करेंगे, पास तो पूरा एरे करेंगे अगली दफा, लेकिन ये इंडेक्स चेंज हो जाएगा, इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक का देंगे आप इसको, और दूसरे वाले को इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक का देंगे। समझ आ रही? तो ये इसलिए हमें इसमें इंडेक्स की बड़ी जो है वो ख्याल रखना। देखिए अगली दफा जो क्विक, देखिए एक है पार्टीशन का एल्गोरिथम, एक है क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम, इनमें फर्क है। क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो मैं अभी इसको ट्री डायग्राम भी बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बना लूं। तो इनिशियली तो हम ये वाला चलाते हैं, फिर इन दोनों पे आते हैं। बहुत आसान एल्गोरिथम है, देखें तीन लाइनों में पूरा एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट। मैं यही कहता हूँ कि रिकर्सिव एल्गोरिथम अगर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इटरेटिव के बराबर है, तो फिर तो हमारे लिए ये बहुत ही मैनेजेबल है इसको लिखना, बट हमें इसके इंटरनल मैकेनिज्म समझना है कि लिखा कैसे जाता है। अगर यही काम मैं ना, अगर इसको मैं इटरेटिव लिखता ना, तो कई पेजेस का हो जाता, क्योंकि इसके सारे काम हमें करने पड़ते। बट हेयर आपने देखा कि तीन लाइनों के अंदर सारा काम, सारा बोझ जो है कंपाइलर को दे दिया कि तुम इसकी जो ये रिकर्जन है तुम खुद संभालो।
तो अब तीन लाइनों में सारा काम जो है वो चल रहा होगा इसका। लेकिन बहुत अहम ये है कि इसकी जो बेसिकली इंडेक्सिंग है ये बड़ी एहतियात से भेजनी है, वरना सारा जो है वो एल्गोरिथम जो मैसेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता ये है कि इसके लिए हमें APR तो हमने इसके क्विक सॉर्ट से भेजा और हमने चेक किया कि पी लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन आर होना चाहिए, यानी पहला एलिमेंट स्ट्रिक्टली जो है वो आर से छोटा, यानी कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, इसका मतलब ये। और जहां ये फेल हो जाएगा यानी सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, तो इसका मतलब यानी पी और आर एक ही एलिमेंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये फेल हो जाए, ये चले नहीं उस स्पेसिफिक वर्क के लिए। उसके बाद हमने कहा कि पार्टीशन ढूंढो और जो पार्टीशन तुम्हें मिल जाए उसके इंडेक्स को क्यू में डाल दो। इंडेक्स को क्यू में डालने की इसकी वजह यह है कि सॉर्ट तो हमने इसको ऑलरेडी कर दिया होगा अंदर, और इंडेक्स को क्यू में डालने का मतलब यह है कि हमें पता चल जाए कि अगला पार्टीशन जो है वो यहां से लेकर यहां तक है और अगला पार्टीशन जो यहां से। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो क्यू मिला है मुझे उसको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा अब क्योंकि वो सॉर्टेड हो चुका है, तो उससे एक पहले रुक जाऊंगा क्यू माइनस वन तक और उसके एक बाद से पिक करूंगा, देखिए क्यू प्लस वन। तो पी से क्यू माइनस वन तक अगला पार्टीशन के लिए हमने भेज दिया क्विक सॉर्ट को कि तुम दोबारा से सॉल्व करो, और अगले वाले में हमने भेज दिया क्यू प्लस वन कॉमा आर से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भेज दिया यहाँ पे। लेकिन अभी हमें पहले समझना है कि ये कैसे काम करता है, और बेसिकली दिस एल्गोरिथम वर्क्स, ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कई तरीकों से लिखा जा सकता है। मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली बुक को फॉलो किया, इवन कि इसको कट पेस्ट भी बुक से किया मैंने, ये वाला एल्गोरिथम भी बुक से कट पेस्ट किया और ये वाला एल्गोरिथम भी बुक से कट पेस्ट किया। यहाँ तो कोई बात पूछनी है भाई? रिजवान साहब, अब्दुल अकबर, अलीना, अनम, बिलाल, आप लोग फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन चले आती है और एरे चले आती है, तो वो जो सॉर्टेड एलिमेंट होता है वो कैसे पता चलता है? वही हम पता लगाने जा रहे हैं, उसको सॉर्ट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पहली दफा में, फर्स्ट टाइम में उसको सॉर्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको सेकंड टाइम का भी बताऊंगा किस तरह चलेगा ये, वो फिर हमारे ट्री ड्राइवर पहले पूरा कंप्लीट करते हैं, फ्लोस के बाद फिर हम सवाल करते हैं। जी जी, मैं पहले ऐसा कर लेते हैं कि पहले मैं इसको एक पहला वाला पास चला देता हूँ कि पहला पीवट किस तरह से सॉर्ट होगा, क्योंकि देखो मैं इसके दो या तीन पीवट नहीं चला सकूंगा क्योंकि ये फिर बोरिंग शुरू हो जाएगा ना। पहला पीवट बड़े तसल्ली से समझना है कैसे होगा, सेकंड को भेजेंगे कैसे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर मैं इसके बाद आपसे सवाल लेता हूँ, तो मैं इसकी वर्किंग मैकेनिज्म भी समझाता हूँ पहले कि ये काम कैसे करेगा, फिर इसके बाद इसके एल्गोरिथम की तरफ ही आते हैं कि इस तरह काम कर रहा होगा। यहाँ से इसको हम कट करते हैं, कॉपी करते हैं और इस वाले पेज पे लगा देते हैं ताकि हमें समझ आए कि काम कैसे हो रहा है। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये एल्गोरिथम है और ये बेसिकली इसकी वर्किंग है। अच्छा जी, ये भी है क्योंकि इमेजेस को साइड पे ले जाओ। कुछ चीज़ें तो आसान है वैसे ऑनलाइन में कि कट पेस्ट कर लिया, कुछ चीज़ें मुश्किल भी हैं, लेक्चर बना हुआ ना हो तो देंगे कैसे। अच्छा जी, ये हमारे पास एल्गोरिथम है जो पार्टीशन जनरेट करेगा, यानी इस एल्गोरिथम में पार्टीशन जनरेट करने वाला, और ये जो क्यू है इज नॉट पिवट, दिस इज द इंडेक्स ऑफ द पिवट एलिमेंट, क्यू इज द इंडेक्स ऑफ द पिवट एलिमेंट, राइट। और जो पिवट एलिमेंट का सॉर्टिंग है वो उसी एरे में हो जाएगा, उसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कैसे होगा, इसके सेवन बेसिकली स्टेप्स इसने चलाए हैं जो डिपेंड करता है पीवट की बेसिकली कहाँ पे लाई करना है इसने, उसके बेसिस पे आइए समझते हैं इसको। कहता यह है कि हमने पहले फोर को पीवट एलिमेंट मान लिया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, मैं इसमें अभी इस एल्गोरिथम से पहले यहाँ समझा रहा हूँ ताकि एल्गोरिथम की तरफ आऊँ। तो इन्होंने यहाँ पे दो एक्स्ट्रा वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं, एक तो पी हमें पता है इनिशियल इंडेक्स है और आर जो है वो बेसिकली फाइनल इंडेक्स है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब है कि ये एरे का इंडेक्स नंबर वन है, ये एरे का इंडेक्स नंबर टू है, ये एरे का इंडेक्स नंबर थ्री है। ये फोर हमें लेकर इसलिए रहा हूँ कि शायद हमें यूज करना पड़े, फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है और ये एट है, एट इंडेक्स है यहाँ। और ये मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया था कंप्यूटर, शेयरिंग। हाँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया था यार, लोड पड़ जाता है ना इसमें तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, आइए, ठीक है, चलो शुक्र है वहीं से शुरू हो गए। ये इस पे जा रहे हैं रिकॉर्डिंग पे, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, नजर नहीं आ रही इस रिकॉर्डिंग, आप लोगों के पास आ रही, हो रही है ना? यस, चलो ओके।
अच्छा मैं बता रहा था कि अब हमारे पास इसमें जो आपके पास एलिमेंट है वो बेसिकली दो नए वेरिएबल लिए हमने आई और जे के नाम से, और हमने इसको बोल रहे थे कि ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है, ये फोर है, सो ऑन, ठीक है, सो ऑन एट तक गए थे हम इसको। तो हमने दो नए वेरिएबल लिए, एक आई है और एक जे है। अब समझने की कोशिश करना, जे जो है वो जे वेरिएबल जो है वो बेसिकली इनिशियल जो इंडेक्स होगा उसको असाइन कर दिया जाएगा, यानी जे जो है वो बेसिकली इनिशियल इंडेक्स होगा स्टार्ट में, जे इज इक्वल टू पी होगा, बिल्कुल इनिशियल इंडेक्स होगा। और आई जो होगा इनिशियली वो इस वक्त एरे का कोई इंडेक्स नहीं होगा बल्कि उससे एक पीछे की तरफ होगा, इसलिए लिखा हुआ पीछे की तरफ गया, और ये पी माइनस वन होगा इनिशियली। पी माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि पी अगर वन से शुरू हो रहा है तो आई जीरो होगा, इसका मतलब है आई को अभी हमने कोई इंडेक्स असाइन नहीं किया, लेकिन जे को पहला इंडेक्स असाइन कर दिया गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पिवट एलिमेंट है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, यानी आखिरी एलिमेंट को, सपोज करो कि एक्स में स्टोर कर लिया हमने आखिरी एलिमेंट को, एरे का नाम ए है और आखिरी इंडेक्स को हम आर कह रहे हैं, तो इसका मतलब उसको आखिरी इंडेक्स में हम स्टोर कर लेंगे, सही यहाँ तक बात समझ आती है। इसका मतलब एक्स में इस वक्त हमारे पास फोर आ जाएगा, एक्स में इस वक्त फोर आ जाएगा, और यही पिवट एलिमेंट है, क्योंकि आखिरी एलिमेंट, अगर ये हम पहले एलिमेंट को पिवट कहते तो ए पी को कर देते, थोड़ा सा एल्गोरिथम में चेंज आया था। तो ये हमारे पास आखिरी एलिमेंट पिवट है, तो हमने फोर में, अब हम करेंगे क्या कि इस फोर को जो है वो कंपेयर करेंगे इस पहले जे पे, जे की पोजीशन पे रखे हुए डेटा से। तो जे पे क्या रखा हुआ है, टू रखा हुआ है, ठीक है, जे पे क्या रखा हुआ है, टू। अब अगर फोर जो है, ये जो फोर है वो पहले पहली पोजीशन पे रखे हुए डेटा से अगर छोटा हुआ, और सुनना क्या कह रहा हूँ, यानी फोर जो है, यानी फोर का मतलब मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, एक्स, फोर का मतलब एक्स, अगर छोटा है पहली पोजीशन पे रखे हुए डेटा से, ठीक है, ए ऑफ जे से, पहली पोजीशन जो है वो जे के पास है तो ए एरे का नाम है, अगर एक्स जो है वो ए ऑफ जे से छोटा हुआ, यानी इसको इससे कंपेयर करो, तो हमें एक स्टेप परफॉर्म करना है, लेकिन इस वक्त हमारे पास फोर जो है वो टू से छोटा नहीं है, समझ आई बात है, छोटा इससे नहीं है, तो लिहाजा हम इस वक्त कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे और जे को एक आगे बढ़ा के यहाँ ले आएंगे। जे एक लूप में है और जे आगे बढ़ जाएगा, और जे के अंदर पहले वन था, अब जे के अंदर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। पी और आर में कोई चेंजेस नहीं आएगी, आई में चेंज जब आएगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक। तो इसने कहा कि जे जे जो है वो आगे चले जाएगा और जे में अब इंडेक्स नंबर टू होगा, और फिर दोबारा से यही चेक करेंगे, इफ की कंडीशन है, यही चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि फोर जो है, यानी पिवट एलिमेंट जो है, अब सेकंड एलिमेंट से छोटा है या नहीं है। तो अगर ये ट्रू हो जाता है, कहते हैं हाँ छोटा है, ये बात अगर ट्रू हो जाती है तो हम दो स्टेप इसके अंदर करेंगे। दो स्टेप कौन से करेंगे, एक तो ये करेंगे कि आई में पहले एक इजाफा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले इजाफा करेंगे आई में, क्योंकि आई को अभी कोई इंडेक्स असाइन नहीं था, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, एक इजाफा करेंगे, आई में जीरो था तो अब आई में कितना आ जाएगा, वन, यानी आई अब प्रेजेंट करेगा इस वाली लोकेशन को, समझ आई बात। दोबारा बता रहा हूँ, फोर को सेकंड पोजीशन, पहले वाली पोजीशन से चेक किया तो फेल हो गया था, अब फोर को सेकंड पोजीशन से चेक किया एट से तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि फोर एट से छोटा है। तब इसके ऊपर इफ के अंदर दो काम होंगे, दो एक्शन परफॉर्म होंगे इफ की कंडीशन ट्रू पे, एक तो आई में एक इजाफा होगा, तो आई में इजाफा हुआ तो आई इस जगह पे लोकेट हो गया, और उसके बाद हम जे की पोजीशन को, इस पिवट को नहीं, जे की पोजीशन को आई की पोजीशन से एक्सचेंज कर देंगे, स्वैपिंग करा देंगे। तो जब हम स्वैपिंग करेंगे तो हमारे पास जे में जो है वो क्या है कि जे में हमारे पास एट है और ये यहाँ पर हमारे पास टू है, तो ये हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, टू, समझ आ रही बात है। ये एक्सचेंज हो गया, यानी आई की लोकेशन को जे की लोकेशन से हम बेसिकली एक्सचेंज कर देंगे इसको, अब ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर अगली दफा करने के लिए जाएंगे तो जे में हमारे पास जो है, गलत तो नहीं कह गया, क्योंकि आई लोकेशन को जे लोकेशन से हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ नजर नहीं आ रहा ये रिप्लेस होता है, टू अपनी जगह पे ही नजर आ रहा है, एट आ गया, पिवट एलिमेंट जो है वो चेक हुआ, इससे ट्रू हो गया। एक मिनट देना है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, फोर को इससे कंपेयर किया एट से, इस वक्त तो कुछ नहीं हुआ ना, तो जे यहाँ आ गया,
ये छोटा हो गया तो आई यहाँ आ गया, और उसके बाद आई आ गया, और उसके बाद एड यहाँ पर है। इसने कहा कि एक्सचेंज ए आई विथ ए जे, नहीं कर रहा, ए आई पे ए जे आ जाएगा सेवन, सेवन के बेसिस के ऊपर अच्छा हम रन करते हैं, देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है। मुझे प्रोसीजर बिल्कुल सही अडॉप्ट कर रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। हम इसको रन करते हैं, जहाँ पे कोई एरर आएगा फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, आई डोंट नो कि एल्गोरिथम लिखा हुआ है, एल्गोरिथम के बेसिस पे हम रन करते हैं। जो एल्गोरिथम में लिखा वही बातें हम कर रहे थे, दोबारा देख लो उसको कि इस वाले प्रोसीजर के लिए बिल्कुल सेम जो एल्गोरिथम कह रहा है वही हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको इसने इस तरह से क्यों मार्क किया। तो हम अपना रन करते हैं फिर देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं, हम इसी को रन करते हैं। अच्छा ए पी आर भेजा हमने, और ये देखें ए आर, ए आर को एक्स में डाल दिया। इस स्टेप में इस वक्त हमारे पास, जो बात समझ नहीं पूछ लेना, ठीक है, एक्स में इस वक्त हमारे पास फोर होगा, ठीक है, और आई को हमने पी माइनस वन कर दिया। तो अगर वन से शुरू कर रहे हैं इंडेक्स, तो इस वक्त आई में हमारे पास जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और जे को पी से शुरू कर रहे हैं तो पहला लूप जो है वन से शुरू हो जाएगा। और चेक क्या लगा रहे हैं, देखें अब चेक ये लगा रहे हैं कि ए जे अगर छोटा है, अच्छा मैं एक्स को छोटा लिख दिया होगा वहां पे, ये गड़बड़ की होगी। वो कह रहा है ए, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ए जे यानी ए जे पे, ए जे का मतलब हुआ ए की पहली लोकेशन पे जो डेटा है अगर वो छोटा है या बराबर है, ठीक है, किससे, पिवट एलिमेंट से, तो हमें ये काम करना है। तो पहली वाली लोकेशन पे हमारा ये ट्रू हो रहा है, हमने इसको बेसिकली फॉल्स कर दिया था। इफ ए जे यानी पहली लोकेशन पे रखा हुआ डेटा अगर फोर से छोटा है यानी ट्रू है, तो फिर हमें ये करना है, ठीक है। क्या करेंगे अब हम इस बेसिस के ऊपर, अब ये देखना है, इस बेसिस पे करेंगे ये कि इस वक्त गौर से सुनना, इस वक्त क्या हो रहा है कि जे में भी वन ही है, जे में भी क्या है, वन है। उसने कहा कि इस वक्त क्या करें आप, आई में एक इजाफा कर दें। तो आई में इजाफा करेंगे तो आई कहाँ चला जाएगा, अभी ये सपोज करो कि अभी ये यहाँ नहीं पहुंचा है, आई भी यही होगा और जे भी इसी लोकेशन पे होगा, क्योंकि अभी सेकेंड लूप नहीं चला, ठीक है, सेकेंड लूप अभी हमने नहीं चलाया। तो आई भी इसी लोकेशन पे होगा, जे भी इसी लोकेशन पे होगा, ठीक, आई में इजाफा किया, और उसके बाद ए आई में रखे हुए डेटा को ए जे में रखे हुए डेटा से रिप्लेस करना है, यानी कि रिप्लेस से मुराद है स्वैपिंग कराना है। तो आई में भी वन है, जे में भी वन है, तो इस वक्त दोनों टू को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो उन्होंने इसीलिए बाउंड्री बना दी है, टू को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा टू अपने आप से स्वैप होगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो यही रिजल्ट रह जाएगा 2 8 7 1 3 5 6 4, ठीक है, और एक फर्क सिर्फ आएगा इस स्टेप के अंदर बिफोर गोइंग टू द अगेन फॉर लूप, एक चेंज आएगा कि आई जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। ये जो जे आगे गया ना सेकंड लूप के लिए बताया उन्होंने, आई यहाँ आ जाएगा, और इस वक्त अगर लूप पे दोबारा नहीं गया तो जे भी यहीं पर है, और जब ये एक्सचेंज करने के बाद, अच्छा ये वाला जो सेवन स्टेप है ना ये फोर के बाहर है, तो हम यहाँ पे इसको रीड करने के बाद दोबारा यहाँ फोर पे चले जाएंगे,
और यानी टू को टू से रिप्लेस करके, जो कि कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ एक काम हुआ कि आई एक आगे आ गया और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ चले जाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो जे का लूप दोबारा चलेगा, जब जे का लूप दोबारा चलाएंगे तो जे बेसिकली टू से शुरू होगा। तो देखें जे जो है यहाँ आ गया, इज इक्वल टू टू पे आ गया, ठीक है, आई अभी भी वन पे ही है, ये नहीं है। अब वो देखता क्या है, दोबारा से यही देखेगा, मैंने बस ये गलत लिख दिया था, यहाँ पे जो मैं साइड में लिख रहा था ना ये चीज गलत लिख दी थी मैंने, अब दोबारा ये लिखेगा कि ए जे की लोकेशन। ए जे का मतलब क्या हुआ, ए टू की लोकेशन क्या पाइवट एलिमेंट से छोटी है या बराबर है, यानी फोर से। तो आप कहेंगे नहीं ये फॉल्स है, यानी एट जो है वो फोर से छोटा नहीं है, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की वजह से ये दोनों स्टेप परफॉर्म नहीं होंगे, यानी सॉरी ये वाले नहीं, ये वाले दोनों स्टेप, ये दोनों स्टेप, ये दोनों स्टेप परफॉर्म नहीं होंगे। जब ये दोनों स्टेप परफॉर्म नहीं होंगे तो दोबारा ये ऊपर चला जाएगा, दोबारा ये ऊपर जाएगा तो जे की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी और जे यहाँ आ जाएगा, जे थ्री पे, आई अभी तक मूव नहीं हो रहा, जे थ्री पे आ जाएगा। जब जे थ्री पे आएगा तो ये कहेगा कि पाइवट एलिमेंट यानी जो एलिमेंट इस वक्त सेवन यानी थ्री लोकेशन पे है, यानी थ्री लोकेशन का मतलब हो गया सेवन, सेवन जो है क्या पाइवट एलिमेंट से छोटा है, तो आप कहेंगे नहीं छोटा नहीं है। अगर ये छोटा नहीं होगा तो फिर आप दोबारा से ये दोनों स्टेप को स्किप करेंगे और आगे चले जाएंगे दोबारा फॉर के लूप में, और जब फॉर के लूप में जाएंगे तो जे यहाँ खड़ा होगा इस वाली लोकेशन पे जो कि लोकेशन नंबर फोर है, लोकेशन नंबर फोर है, ठीक है। फिर आप देखेंगे और कहेंगे कि लोकेशन नंबर फोर का डेटा जो है, लोकेशन नंबर फोर का डेटा जो है, ये लोकेशन नंबर फोर है, इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, ठीक है। लोकेशन नंबर फोर का जो डेटा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको मिटाऊं, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अब आपके पास लोकेशन नंबर फोर, ठीक है, लोकेशन नंबर फोर आ गया। लोकेशन नंबर फोर पे क्या रखा, वन रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वन क्या फोर से छोटा है, तो अब ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो फिर आप जो है बेसिकली इसके एलिजिबल हो जाएंगे कि फॉर के अंदर के यानी जो इफ के अंदर की कंडीशन है वो चला दी जाए, तो अब आप इफ के अंदर आ जाएंगे। जब इफ के अंदर आएंगे, जब इफ के अंदर आएंगे तो आप बेसिकली यहाँ पे आ गए इस वाले स्टेप में, तो आई को एक इजाफा करेंगे। आई कहाँ छोड़ के आए थे, आई आप वन पे छोड़ के आए थे, अब आप आई को कहेंगे कि ये आई जो है वो इस जगह से मूव होके इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, आई जो है वो सेकेंड लोकेशन पे आ जाएगा, पहले मूवमेंट कर रहे हैं आई की, और उसके बाद आई लोकेशन को जे लोकेशन से रिप्लेस कर देंगे। आई लोकेशन पे एट है, जे लोकेशन पे वन है, इनको एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। इनको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और एट जो यहाँ चले, देखिए नजर आ। अच्छा जी, मुझे लग रहा है 40 मिनट वाला डिस्कनेक्ट खत्म करके उन्होंने ये वाला मेथड अपना लिया जूम में, अब देखो हम डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे 40 मिनट पे, लेकिन इस तरह डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, आई थिंक सो। अच्छा जी, मैं पहुंच गया था इस लोकेशन पे ना, तो हमने कहा था देखो क्या किया कि 8 को इस वाले 1 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आई 8 आई जो है यानी 1 यहाँ गया 8 यहाँ गया, तो हम इस पोजीशन पे आ गए, और जे इस वक्त यहाँ था जो रिप्लेस हुआ था, जे भी यहाँ नहीं आया और 1 से यहाँ रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद फिर आप जे के लिए जब ऊपर गए तो अब जे जो है वो इस लोकेशन पे आ गया, ये वाले लोकेशन पे, और जब जे इस लोकेशन पे आया तो जे के पास 3 है, जे के पास क्या है 3, और आपने अब चेक क्या करना है, ए कौन सी लोकेशन है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ लोकेशन। अब आप चेक कर रहे हैं ए फिफ्थ लोकेशन जो है क्या आपके पिवट एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, तो फिफ्थ एलिमेंट पे 3 रखा हुआ, आप कहेंगे हाँ छोटा है, तो आप फिर इन दोनों स्टेप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। आई को कहाँ छोड़ के आए, सेकंड पोजिशन पे, आई कहाँ चला जाएगा, अब आई चला जाएगा इस पोजिशन पे, पहले इंक्रीज होगा आई, अब आई यहाँ नहीं है, जे इंक्रीज नहीं हुआ, जे पहले स्वैप करेगा फिर जाएगा फोर के पास, अब आई की लोकेशन पे रखा हुआ डेटा इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो 3 जो है वो यहाँ आ गया और 7 जो है वो यहाँ चला गया, समझ में आ रही बात है। अच्छा सॉरी यार, ये बार बार डिस्कनेक्शन है लगाने, नहीं नहीं मैं तो अभी बोल ही नहीं रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम अब पहुंच गए हैं कि आई जो है वो देखें 1 से 7 को रिप्लेस कर दिया, 1 7 जो यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, ठीक हो गया। तो अब आगे अगर हम बढ़े, मैं सारा इसलिए करा रहा हूँ कि आखिरी में पाइवट पाइवट को कैसे अपनी जगह पर लेके आना वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो अब आपके पास जब आगे गए तो ये आ गया 1 2
थ्री फोर फाइव ठीक है सिक्स सेवन एट लोकेशन है. इस वक्त आई जो है वो थ्री लोकेशन पे है. आई अगर देखा जाए ना, जब आपसे वाइवा पूछा जाता है तो आप बने आई क्या किस काम के लिए, तो आप कहेंगे आई जो है वो बेसिकली लोवेस्ट एलिमेंट का एंड बता रहा होता है कि यहाँ तक बेसिकली पायरेट से छोटे एलिमेंट इस जगह तक मौजूद है. जो भी पायरेट एलिमेंट होगा उससे छोटे एलिमेंट आई इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, चालेंगे. फैन भी नहीं चल रहा यहाँ पे, फिर भी वॉइस ब्रोकन है. मैं एक दफा उसको बंद कर दूं. एक मिनट. ऑडियो सेटिंग में देखता हूँ ना कोई चीज. टेस्ट माइक. जी यूज प्रेस. करते क्या है कि पार्टिसिपेंट को म्यूट करते हैं. लिख के बताएं कुछ बेहतर हुआ. भाई कुछ चैट पे बता दें तो मैं वुड बी बेहतर. अच्छा मैं एक दफा और ट्राई करता हूँ. रियल टेक सिस्टम है. लीव कंप्यूटर ऑडियो टेस्ट. अब इसको मजीद पढ़ाते हैं. हेलो 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 कुछ बेहतर हुआ. चलो गुजारा कर लेते, क्या करें. मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क का इशू है. हालांकि मैंने फैन भी बंद किया हुआ है. अच्छा जी आइए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए हमने कहा कि ये हमारे पास सिचुएशन है और हम अब आई को आई अगर कोई वाइवा में पूछे आई क्या, तो आप यहाँ पे आसानी ये बताया करेंगे कि आई बेसिकली ट्रैक कर रहा है कि जो पिवट एलिमेंट है उसका जो लेस एलिमेंट आखिरी लेस एलिमेंट है उससे जो लेफ्ट एलिमेंट है वो आई और उससे पीछे के सारे एलिमेंट है. तो आई ट्रैक कर रहा है उससे लेसर एलिमेंट और उसके आगे के सारे एलिमेंट आई से आगे के सारे एलिमेंट जो है वो जे तक. ठीक है, आगे के बारे में पता नहीं है तो हम इस तरह इसको ट्रैकिंग जो है वो करते जा रहे हैं. तो हाँ मैं करता हूँ फैन. तो ये बेसिकली ठीक है. अब हो ये रहा है कि अब हम आगे अगर बढ़ते हैं अगले स्टेप पे जाते हैं तो अब आप ये जहन में रखना कि आई हमारे पास इस वक्त थ्री लोकेशन पे है. लोकेशन नंबर थ्री पे है, डेटा थ्री इतफाक है कि लोकेशन थ्री भी डेटा थ्री है. और जे जो है वो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं सेवेंथ पे. ठीक है, जे सेवेंथ पे पहुंचे. तो सेवेंथ का मतलब ये हुआ कि सेवेंथ लोकेशन पे जो डेटा रखा हुआ है हमारे पास वो बेसिकली आपके पास, यानी हमने हमने वन के बाद ये भी रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे. यानी अगर यहाँ पे थ्री थे तो हमने कहा फाइव, क्या फाइव जो है वो फोर से छोटा है, तो आपने कहा फेल हो गया. फाइव फिर फाइव जो फोर से छोटा नहीं है, ये वाला चेक फेल हो गया. जब ये चेक फेल हो जाएगा तो नीचे जाएंगे नहीं, तो फिर अब आप चले जाएंगे यहाँ पे सिक्स के पास. सिक्स के पास गए तो क्या सिक्स फोर से छोटा है, आप कहेंगे फेल हो गया. तो कोई चीज रिप्लेस नहीं हो रही. इसका मतलब है देखिए इसको बॉक्स को बढ़ाता एक्सटेंड करता जा रहा है. ये जो बॉक्स के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ये वो एलिमेंट हैं जो बेसिकली आपके पिवट एलिमेंट से बड़े हैं, तो ये रिप्लेसमेंट नहीं हुई और आप यहाँ पे पहुंच के रुक गए. देखिए आप यहाँ पहुंचे ना, और सुनिएगा ये कौन सा लोकेशन है, ये सेवेंथ लोकेशन है, लोकेशन सेवन है. ये कौन सी लोकेशन है, ये एट लोकेशन है. समझने की बात है, मैं उसको स्किप कर सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ समझाने से जाता हूँ कि आप एक एक चीज को गौर से देखा करें ताकि आप जब लिखे ना एल्गोरिथम तो आपको समझ आएगा क्या बात हो रही थी. इसने कहा था आपने एक लेस तक चलाना है, इसका मतलब है लूप यहां से बाहर निकल जाएगा या इसके लिए लूप नहीं चलेगा. यहां तक लूप चलना था क्योंकि r माइनस वन तक लूप चलना था. r आपके पास 8 था, माइनस वन करोगे 7 तक लूप चलेगा. ये लूप चला, इसने सारे एलिमेंट i को इसने मार्क कर दिया ये, और इसने बेसिकली पिवट हमें पता है, j इसने मार्क किया हुआ 7 पे.
और ये बाहर निकल गया लूप से बाहर निकल के लाइन नंबर 7 पे चला गया। लाइन नंबर 7 पे जब जाएगा ये लाइन नंबर 7 पे, तो ये क्या कह रहा है, अब जरा इसको देखें, हमें करना क्या है, चलो इससे पहले ये सोचो करना क्या है। इसका मतलब करना ये है कि ये वाला पिवट एलिमेंट यहाँ आ जाए और 8 यहाँ चला जाए, ताकि ये बीच में आ जाए और इससे राइट पे सारे बड़े एलिमेंट, इससे लेफ्ट पे सारे छोटे एलिमेंट हो जाए। सिर्फ ये करना है, क्योंकि ये दिस इज अ बेसिकली प्लेस, अब यहाँ पहुंच गए और हमें पता चल गया कि ये सारे पिवट से बड़े हैं, ये सारे पिवट से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ से हटाएंगे, 4 की जगह लाएंगे। और अब 8 को हटाने के लिए हमने ट्रैकिंग देखनी है कि हमारे पास मौजूद क्या क्या है, हमारे पास आई ट्रैक हुआ है। और सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं, देखो जब लिखते हैं ना तो इस तरह सोचा जाता है, हमारे पास आई ट्रैक हुआ है, तो इसका मतलब है जब ये अपने लूप को पूरा चला ले तो आई से अगला एलिमेंट पिवट की जगह होगी। समझ में आती है बात, ये आई के अगला एलिमेंट किसकी जगह होगी, पिवट की जगह होगी। तो बस ये सोचना है हमें, जब हम पूरा लूप चला लेंगे और जो अरेंजमेंट आएगी, ये बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट है, क्योंकि हमने एल्गोरिथम ऐसा लिखा है कि व्हेनेवर यू विल कम आउट फ्रॉम द योर लूप, इट मींस द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द आई इज द पिवट पोजीशन, ये हमारा पिवट पोजीशन होगा, एंड वी विल एक्सचेंज दिस पिवट पोजीशन, स्वैप दिस पिवट पोजीशन फ्रॉम दिस प्लेस एलिमेंट, तो आई से अगली पोजीशन। तो आप कहेंगे देखें क्या लिखा है जब लूप से बाहर निकले, एक्सचेंज ए आई प्लस वन, यानी आई से अगली पोजिशन को किससे, आर कौन सी पोजीशन थी, पिवट पोजीशन थी, पिवट पोजीशन से रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, 4 जो है वो 8 से एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखें नीचे वाले स्टेप में क्या दिखाया, 4 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, ठीक है। और उसके बाद सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ मसला, और आपने बाहर क्या भेजना है, इसकी वजह यह है कि अगर हम अपना एल्गोरिथम देखें तो हमें इंडेक्स चाहिए, पिवट का इंडेक्स चाहिए हमें यहाँ पे। आपने सॉर्ट तो कर दिया पिवट एलिमेंट को, लेकिन इंडेक्स भी चाहिए ताकि पार्टीशन करें बाद में। तो देखिए आप यहाँ पे इसने क्या किया जेंटली के रिटर्न आई नहीं कराया, आई तो वो है जो पिवट से एक पहले है, पिवट को अगर भेजना है तो पिवट एक अगला एलिमेंट भेजेंगे, तो कहेंगे रिटर्न क्या कराया, आई प्लस वन। तो आपने जैसे ही रिटर्न आई प्लस वन कराया तो यहाँ पे क्यू ने क्या कैच किया होगा, आई प्लस वन, तो आई प्लस वन जो क्यू ने कैच किया है वो क्या होगा यहाँ पे हमारे लिहाज से, तो 1, 2, 3 इत्तेफाक है कि 4 पोजिशन जो है 4 की है यहाँ पे, तो 4 जो है कैच हो गया होगा क्यू में। अब जब क्यू में 4 कैच हुआ होगा तो ये क्यू में जब यहाँ से पार्टीशन ने 2 काम किए, डिवाइड भी किया और इसको कंकर भी कर लिया, इसको पिवट भी बना दिया, पिवट को सॉर्ट भी कर दिया, और इसने इंडेक्स भेज दिया 4। समझ आई बात, जब ये 4 यहाँ पे आया, लोकेशन नंबर 4, मैं डेटा 4 की बात नहीं कर रहा, लोकेशन, दिस इज द इंडेक्स ऑफ द पिवट एलिमेंट, इस वक्त इत्तेफाक है दोनों सेम है। तो जब ये 4 यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से कंप्लीट एरे यहाँ से भेजा, समझने की बात है, सेकंड टाइम जब चल रहा होगा ये, तो फिर मैं सवाल लेता हूँ आपसे फर्स्ट टाइम, जब यहाँ से 4 यहाँ से निकला, जब ये 4 यहाँ इसको मिल गया क्यू को, तो अब देखें इसने दोबारा से पूरा एरे भेजा, पहले क्विक सॉर्ट को दोबारा से पूरा एरे भेजा इसने, ठीक है, पूरा एरे भेज रहा है, लेकिन एरे का कुछ पोर्शन पहले क्विक सॉर्ट से भेज रहा है, और वो पोर्शन कौन सा है, क्यू से लेकर क्यू माइनस वन तक। अगर हम जाके देखें जो हमने अभी सॉल्व किया है तो वो देखें क्या मिल रहा होगा हमें, क्यू पी से लेकर ये क्यू है, ये क्यू है, इसका इंडेक्स क्यू है, तो क्यू माइनस वन तक, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। और अगला वाला कहां से भेजेगा, वो क्यू प्लस वन से लेकर आर तक, अगले वाले क्विक सॉर्ट में क्या भेजा जा रहा होगा, क्यू प्लस वन से आर तक। क्यू को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, ये क्योंकि क्यू जो है वो पिवट एलिमेंट है, और जब हम इन दोनों को भेजेंगे तो दोनों साथ साथ काम नहीं करेंगे, और सुनना ये हमारा बिल्कुल रिकर्सिव बेसिस पे चला जाएगा, कि जब हम रिकर्सिव चलाएंगे तो इस क्विक सॉर्ट के 3 मैकेनिज्म है, इसके 3 जो है बेसिकली, क्या होता रहता है, इसके जो 3 बेसिकली टास्क हैं इस क्विक सॉर्ट के, एक टास्क है पार्टीशन बनाना, और 2 दोबारा से रिकर्सिव कॉल करना, 2 रिकर्सिव एक साथ कॉल कभी भी नहीं होते, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी मैं ट्री बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये, और हम ट्री पहले कई दफा बना चुके हैं। इसमें कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, अगर मैं आपको इसकी डायग्राम, एक इनिशियली डायग्राम बनाऊं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो इसकी इनिशियल डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि हम एक क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे इस वाले एल्गोरिथम के हिसाब से मेजर, और इसके अंदर से हम एरे ए भेजेंगे, और एरे ए के साथ हम इसका इंडेक्स 1 और 8 भेज देंगे। समझ में आई बात ये, यानी पी के अंदर 1 और आर के अंदर, ये पहला हमारे पास आ गया, ये हमने पहला। इसके बाद ये तीन इसकी जॉब्स हैं, एक जॉब है पार्टीशन की, ठीक है, एक जॉब है अगेन क्विक सॉर्ट की, और एक जॉब है अगेन क्विक सॉर्ट की। समझ आ रही बात है,
पार्टीशन क्या कर रहा है, पार्टीशन कह रहा है मुझे ए चाहिए और वही चीज चाहिए जो यहां से रिसीव हुई थी 1.8, समझ आ गई बात ये, सॉरी। और क्विक सॉर्ट कहता है कि जब ये पार्टीशन हो जाएगा तो पार्टीशन के अंदर इंडेक्स आ जाएगा, तो इस पार्टीशन के अंदर से जो रिटर्न मिलेगा वो क्यू को मिलेगा, यहाँ पे क्यू इसलिए लिख रहा हूं मैं, क्यू को रिटर्न मिलेगा। ये जो क्यू है ये बेसिकली अगले क्विक सॉर्ट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यूज करने, तो ये ए आ जाएगा, पी यानी इस वक्त 1 ही होगा, मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ, क्यू माइनस 1, तो क्यू को अगर 4 मिला है तो एक कम तो 3 तक भेज दिया जाएगा इसको, और क्विक सॉर्ट यहाँ पे ए और एक ज्यादा यानी 4 से लेकर 8 तक भेज दिया जाएगा। देखें एरे वही भेज रहे हैं लेकिन इसका सब एरे भेज रहे हैं कि तुम क्विक सॉर्ट इसी एरे के इस इंडेक्स के अंदर सॉर्टिंग करो, तुम क्विक सॉर्ट। अब जब हम इसको रन करेंगे तो जब यहां से रन कर रहे होंगे तो पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होके क्यू बना लेगा और उसके बाद आके इसको सॉल्व करेगा। पहले वो जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएगा, इसको इसको स्टे कर देगा स्टैक में, इसको भी सॉल्व नहीं करेगा। जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएगा तो इसके फिर से दोबारा से 3 बेसिकली इसके रिजल्ट जनरेट करेगा, एक पार्टीशन, फिर क्विक सॉर्ट और फिर क्विक सॉर्ट, समझ में आ रही बात है। और इस तरह से ये जब इसकी बारी आएगी तो फिर इसको यहाँ पे, लेकिन पहले इसकी बारी को कंप्लीट कर रहा है ये, ठीक है। जब इसके पास आएगा तो यहां से इसकी पार्टीशन बनाएगा, तो पार्टीशन बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम जाते और इसी के ऊपर बन गया, अगर हम देखें तो ये बेसिकली इन 3 के पार्टीशन बनाने के लिए कह रहा है वो। जब इन 3 के पार्टीशन बनाएगा ना, गौर सुनना, ये जो 3 यहां से लेकर यहां तक के 3 एलिमेंट के पार्टीशन जो ये कह रहे हैं बनाओ, क्योंकि हमने इस पार्टीशन में भेजा क्या होगा उसको, यहाँ पे भेजा होगा उसको, हमने क्या चीज भेज रहे होंगे हमें 1.3 इस पार्टीशन को, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस पार्टीशन को हम भेज रहे होंगे, इस पार्टीशन को भेज रहे होंगे 1.3 एरे ए का, क्योंकि पार्टीशन को वही भेजा जाता है जो ऊपर से पास करते हैं, तो 1.3 1 से लेकर 3 तक भेज देंगे, तो वो इसका क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसके बाद उसका पिवट एलिमेंट को एप्रोप्रिएट जगह बिठा देगा। तो इसका पिवट एलिमेंट 3 है और ये इसको नहीं पता कि एप्रोप्रिएट जगह बैठा हुआ है, लेकिन वो इसलिए सारी वर्किंग करेगा और सारी वर्किंग करने के बाद कहेगा ये पिवट एलिमेंट अपनी एप्रोप्रिएट जगह पे बैठ गया। और उसके बाद जब यहां से हमें इस वक्त क्यू की वैल्यू जो मिलेगी वो 3 मिल जाएगी, तो इसका राइट साइड तो है नहीं, तो जब यहां से 2 क्विक सॉर्ट कॉल होंगे तो ये राइट साइड वाला क्विक सॉर्ट फेल हो जाएगा, ये कॉल ही नहीं होगा क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला क्विक सॉर्ट कॉल होगा 2 एलिमेंट के साथ, तो इस तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। इस वेरी कंजेस्टेड हो गया यहाँ पे, मैं इसकी फेयर डायग्राम बना के आपको शेयर करूंगा, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड वाला सारा काम था जो यहाँ पे हमने अभी डिजाइन नहीं किया इसका ना। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, पिछले वाले क्यू माइनस 1 है जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर, फैन ओपन कर लो, ठीक है तो कर लूंगा, ठीक है ये समझ में आ गई बात, मैं बिल्कुल ऐसा ही है, तुम सही कह रहे हो रिजवान साहब। तो इस बेसिस पे ये सारा पार्टीशन जो है डिजाइन हो रहा है, तो ये इसका रिकर्जन को बनाना, अगर मैं बुक में रिकर्जन नहीं बनाई इसकी ना, तो इसका रिकर्जन बना के समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक क्वेश्चन रिकर्जन से समझ में आ जाए तो हमारे लिए आगे इसके वर्ड बेस और एवरेज केस को समझना भी आसान होगा। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि किसी एक को हम डिजाइन करते हैं ब्लैंक शीट के ऊपर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा पहले ये बताओ कि इसका जो मेजर एल्गोरिथम है, ये वाला एल्गोरिथम, ये समझ में आ गया ना तुम्हें, कैसे चल रहा है ये वर्किंग कैसे होगी, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो बता दो, मैं फिर इसके लिए आपको कोशिश करता हूँ कि इसके लिए डिजाइनिंग कर दूं रिकर्जन डायग्राम ब्लैंक शीट के ऊपर यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा बहुत और मजीद समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन अभी भी बाकी है तो, अगर है तो जी। यहाँ तक तो समझ में आ गई, टेक्स्ट में लिख दो क्योंकि सब म्यूट हुए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज द हैंड एज वेल, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इन टेक्स्ट एज वेल, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी पूछ लें, मैं वरना इसकी डिजाइनिंग करता हूँ, ठीक है। चलो डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा एक सवाल आ गया सर, पार्टीशन वाले आर्क्स बार ट्राई रन करके ठीक है दिखा दे, मैं इसको रिकर्जन के ट्री से बना देता हूँ, शायद तुम यही पूछना चाह रहे हो, तो रिकर्जन ट्री से इसको डिजाइन कर देते हैं। आइए जी, अब हमारे जहन में ये हो कि हमने जो है वो बेसिकली इस एल्गोरिथम को रन करना है, कॉपी ये ब्लैंक शीट पर जाकर डाल देते हैं, उसको पेस्ट छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि हमें ये नजर भी आता रहे कि हम ये करने जा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है।
और वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन दिस वन, कि अब हमें ये वाली सिचुएशन मिल गई कॉपी, और यहाँ पे इसको भी पेस्ट करते हैं, छोटा कर देते हैं, कि हमने बेसिकली ये जो है आखिरी वाले एलिमेंट की पार्टीशनिंग देखनी है इसके बेसिस के ऊपर, फिर उसके बाद आगे ग्रो करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ, तो पहले सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले आपके पास ये आएगा कि आपने कहा कि मेरे पास क्विक सॉर्ट कॉल हुआ। मैं ऐसा करता हूँ कि इससे लिखता हूँ, मैंने कहा कि क्विक सॉर्ट कॉल हुआ। जी सर, सबसे पहले क्विक सॉर्ट जब कॉल हुआ होगा, जो मेन मेन क्विक सॉर्ट है ये वाला, तो इसमें आपने, अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, पहली दफा ये लिख रहा हूँ, क्योंकि ए का मतलब है एरे पूरे दे रहे हैं इसको आप। ए पास किया और पी, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वन और एट पास कर दिया आपने, ठीक है, ये आपने बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है वो पास करके इसको दे दिया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना, ठीक। क्विक सॉर्ट कॉल हो गया, जब ये सॉर्ट हुआ तो कॉल हुआ, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये सबसे पहले चेक होगा इफ की कंडीशन, पी जो है वो आर से छोटा है, आप कहेंगे हाँ छोटा है, ट्रू हो गया। ट्रू होने के बेसिस पे आप आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो तीन जॉब्स हैं इसकी, जैसा कि हम पहले पढ़ते रहे, मैंने आपसे कहा था ना देखो रिकर्जन समझ लोगे तो आगे बहुत आसानी होगी तुम्हें। अब इसकी तीन जॉब्स कॉल होंगी, ये एक पैटर्न है, याद आ रहा है पैटर्न, हमने प्रिंट कराया था नीचे दो पार्टीशन इसके जो है वो हमने कॉल किए थे, तो उसी तरह का एक पैटर्न है, जो मैं आपसे बार बार कहता था कि रिकर्जन के कुछ पैटर्न्स हैं वो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्विक सॉर्ट जो है हमने चला लिया, पार्टीशन चलाया हमने, ठीक है, ये पार्टीशन चलाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पार्टीशन का एल्गोरिथम चल गया, ये जो है दूसरा क्विक सॉर्ट चला और ये अगला क्विक सॉर्ट चला, ठीक हो गया। तो ये हमने बेसिकली तीन चीजें चला ली, ये दोनों क्विक सॉर्ट पार्टीशन की वैल्यू को लेते हैं, देखिए ये रिटर्न दे रहा है, वैल्यू लेते हैं। तो हमारे इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो पार्टीशन है पी, जी सर, पी के लिए ब्लू कर देते हैं इसको, जो पी है ये चलेगा कैसे, ये पी चलेगा हमारे पास पार्टीशन, इसके लिए क्या पैरामीटर पास हो रहा है, ए अब मैं नहीं लिख रहा, पी आर पास हो रहा है, पी आर, तो पी आर का मतलब है 1.8 ही पास होगा इसको भी, समझ में आ रही बात है, 1.8, ठीक हो गया। और ये रिटर्न क्या देगा, ये रिटर्न देगा आपको क्यू। तो ये तो हमारे पास आ गया पहली जॉब जो ये परफॉर्म करेगा, जो इसने परफॉर्म करनी है ये परफॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी जॉब परफॉर्म होगी, वो कहेगा क्यू पे डिपेंडेंट है, क्यू मिलेगा तो हम बताएंगे कि ये जॉब कैसे कॉल होगी। तो हमने कहा कि क्यू मिल गया आपको, और क्यू जो है वो आपको इस केस में मिला है, जी सर क्या मिला है, 4, डेटा नहीं बता रहा, इंडेक्स बता रहा हूँ, समटाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेटा लिख रहे हैं, डेटा नहीं है ये 4 जो लिख रहा हूँ ये क्या है, ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे है भी 4 ही इत्तेफाक है, ठीक हो गया, ये समझ में आ गई बात है। तो देखो ये इंडेक्स नंबर 4 है, और इंडेक्स नंबर 4 पे जो है वो 4 है। फिर हमने कहा कि अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगला क्यूएस चलाना है, क्विक सॉर्ट चलाना है, और ये क्विक सॉर्ट कैसे चलेगा, ये क्विक सॉर्ट चलेगा एरे ये नहीं लिख रहा पी यानी 1, ठीक लिख रहा हूँ, क्यू माइनस 1 यानी 3 तक चलेगा ये, ठीक हो गया, ये हमने चला लिया ये वाला क्विक सॉर्ट, ठीक। उसके बाद ये वाला क्विक सॉर्ट चलेगा और ये क्विक सॉर्ट भी चलेगा इसी तरह से क्यूएस, और ये कहां से कहां तक चलेगा, 4 से एक आगे 5.8, जी भाई सबके समझ में आ रहा है, ये आपने भी बनाना है। देखें इसके बनाने से फायदा होता है कि आपका विजन क्लियर होता है, जब आप 6-7 दफा बना लेंगे तो फिर बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप कहेंगे मुझे समझ आ गया काम कैसे हो रहा है इसमें, नहीं बल्कि कोई भी एल्गोरिथम आप रिकर्सिंग चलाए तो, ये मेरा हाल क्लियर हो गया होगा। अब जब हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे या इसकी हम बेसिकली ट्रैवर्सिंग करेंगे, तो बेसिकली वो यहाँ से चलते हुए आएगा, इसको सॉल्व कर लिया इसने, यहाँ पे गया और उसके बाद सबसे पहले इसको चलाएगा, समझ आ रही बात है, इसको चला रहा होगा, इसको इसने स्टैक पर, आपको याद होगा कि जैसे ही हम बेसिकली इसको चलाते हैं तो ये हमारे पास एक स्टैक जनरेट करता है, ठीक है, और स्टैक में वैल्यू क्या रखता है, सबसे पहले रखेगा क्यूएस, सबसे पहले रखेगा क्यूएस, और ये कंपाइलर की सारी जिम्मेदारियों में शामिल है,
आपकी जिम्मेदारी, तभी तो तीन लाइनों में कोड हो गया हमारा। उसके बाद इसको नहीं रखेगा, ये रिकर्सिव कॉल नहीं है, ये जॉब परफॉर्म हो जाएगी। इसको रखेगा जो जॉब यहाँ कॉल हो रही है QS, और यहाँ पे जो है जॉब है वो है 1,3 की, ठीक है। उसके बाद है QS और वो जॉब है आपके पास 5,8 की, ठीक हो गया। अच्छा, अब 5,8 की जॉब जो है वो ये वाली है, समझ में आती बात है। जब इसको हम ट्रेसिंग करेंगे कि भाई ये जो आपके पास जॉब्स हैं, तो इसमें हम देख रहे होंगे कि किस जॉब को पहले सॉल्व करना है। तो हमने पहले लिखा है 1,3, तो इसका मतलब है कि ये वाली जॉब जो पहले होनी है यानी ट्रेसिंग के हिसाब से, तो कॉल ये पहले हुई थी ना, तो मैं यहाँ पे जरा गलत लिख गया हूँ, ये 5,8 है। मैं समझाता हूँ, आप बोलोगे पता नहीं अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर रहे, ये बेसिकली 1,3 है, ठीक है। यानी हमें बेसिकली ये वाली जॉब पहले है ना, ये वाली जॉब पहले, ये बाद में, तो जो बाद में जॉब है ये पहले इंसर्ट हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, और ये वाली जॉब पहले सॉल्व करनी है हमें, तो इसको बेसिकली हम ऊपर रखेंगे, कंपाइलर भी ऐसी रख रहा होगा। उसके बाद इसको जो हम देखेंगे, ये जॉब सॉल्व होनी है, तो इसकी भी तीन बेसिकली, इसकी तीन जो है वो ब्रांचेज होंगी, एक ब्रांच, ठीक है, दूसरी ब्रांच, और इसकी ये तीसरी ब्रांच। इन तीनों ब्रांच में बताओगे क्या क्या आ रहा होगा? जी सर, पहले में क्या आ रहा होगा? क्यू विच इज इक्वल टू पी, अब पार्टीशन के लिए क्या दे रहे होगा तुम यहाँ पे 1,3, क्योंकि ये पार्टीशन वो ले रहा होता है जो ऊपर से आ रहा है 1,3, ठीक हो गया। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल है, वही चीज मिलेगी जो ऊपर से आ रही है। और इस वक्त हमें क्यू में वैल्यू क्या मिलेगी जब हम पार्टीशन करेंगे? तो हमारे पास क्यू में जो वैल्यू आएगी, मैं यही लिख देता हूँ, इतफाक है जब देख रहा हूँ मैं आगे, इसको सॉल्व तो किया नहीं इन्होंने, बुक ने भी नहीं किया हुआ, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि आगे जो है वो इस 3 लोकेशन पे पार्टीशन आ जाएगा, इस वाले में 3 लोकेशन पे पार्टीशन आ जाएगा। 3 लोकेशन पे क्यों? क्योंकि ये पिवट एलिमेंट कहलाएगा और ये सबसे बड़ा है, तो उसके राइट साइड पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, समझ आ रही बात है। तो पिवट एलिमेंट की इंडेक्स 3 आ जाएगा। इस बेसिस पे आप कहेंगे कि जो क्यू एस कॉल करना है, वो पहला क्यू एस कैसे कॉल होगा कि अभी भी ये 1 से ही कॉल हो रहा है, 1 से लेकर 3 से एक कम 2 तक, ठीक हो गया। और अगले वाले में इंटरेस्टिंग, अगले वाले में क्या हो रहा होगा? अगले वाले में आप QS कॉल करेंगे, QS, और वो क्या बन रहा होगा बताओगे? कि अगला वाला जो है वो इससे एक आगे से चलेगा, यानी 4 से चलेगा, और कहां तक जाएगा? क्योंकि इस एरे का फाइनल इंडेक्स 3 तक दिया गया है, तो 3 तक जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो लिहाजा ये जब इसकी इंडेक्सिंग इस तरह से आउट हो जाए, तो इसका मतलब है इसको चलाना नहीं, यानी जब इनका डिफरेंस 0 हो जाए, तो इस वाले QS को चलाना नहीं है हमें। शो तो कर दिया मैंने, लेकिन ये रन नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ से इसको कंप्लीट करने से पहले इसे यहाँ तक जाएगा नहीं, तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए इस वाले QS को चलाना होगा, ये तो फेल हो गया, यानी ये वाला QS तो चलेगा नहीं। ये QS इसलिए नहीं चलेगा कि इसके अंदर इंडेक्सिंग का ऑर्डर डिफरेंट चेंज हो गया, क्या हो रहा है, ठीक है, ये इंडेक्सिंग का ऑर्डर डिफरेंट हो गया, तो ये नहीं चल रहेगा, ये जाएगा और बाहर आ जाएगा, इसके अंदर कोई जॉब नहीं होगी, क्योंकि ये फेल, देखो ये फेल कहाँ हो रहा है, इस वाले इसके बेस, यानी ये QS आपने कहा 4,3, तो 4 इसका P हो गया, 3 इसका R हो गया, ये कंडीशन फेल हो गई, तो फिर ये अंदर जाएगा नहीं, तो इसके अंदर इसकी कोई जॉब ही नहीं होगी, ये वाली कंडीशन ही फेल हो गई इसकी, ये वाली कंडीशन जो है ये इस वाली कंडीशन को फेल कर रहा है, समझ आ रही बात है। तो ये फर्दर आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा जी, मैं सवाल देख लेता हूँ साथ साथ। 4,3 समझ नहीं आया, 4,3 समझ, इसने आउट ऑफ पार्टीशन, आउट ऑफ पार्टीशन कह लो या जो भी कह लो, लेकिन एल्गो में जाके देखो जिया, एल्गो में जाके देखो 4,3 आया क्यों है, ये पूछना चाहते हो, ये 4,3 फेल कैसे होगा ये पूछना चाहते हो, दो सवाल है। 4,3 तो हमने जो रूल लगाया उस बेसिस पे कॉल किया ना, देखो हमारे पास पार्टीशन, जिया तुम देखना, और इस बार मेरे ख्याल तुमने सवाल सही किया, लेकिन तुम इसको लॉजिकली एल्गोरिथम से फेल करो, और बात तुम्हारी सही है, और जिया तुम देखो, बाकी स्टूडेंट भी देखो, हमारे पास 1,3 भेजा था पार्टीशन, ये मिल गया था हमें 3 लोकेशन पे, ये इंडेक्स है पार्टीशन का, बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज अ इंडेक्स ऑफ पार्टीशन, 3 लोकेशन, डायग्राम को देखो, 3, ये लोकेशन नंबर 3 है, ये लोकेशन नंबर 3 है, डायग्राम को देखो, जब हम 3 पे जाएंगे तो अब 3 तो सॉर्ट हो गया, लेकिन इसकी 2 पार्टीशन बनाएंगे, जो ये 2 पार्टीशन बना रहा है, बिल्कुल अपने आप को अलाइन करो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, ये इसके थ्रू होगा, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, आप इसके रूल चला दो,
रूल चलाओगे तो पहला जब कॉल करोगे तो पी से लेकर क्यू माइनस वन तक है, पी से लेकर पी वन है तो पी वन है, इसका जो इंडेक्स है पहला वो वन है, और कहां तक जाएगा, पार्टीशन से एक पहले, पार्टीशन से एक पहले का इंडेक्स कौन सा है, टू है, तो आपने कहा ये वन कॉमा टू चल जाएगा, समझ आई बात ये। और अगले वाले को जब चलाने के लिए जाओगे, इस वाले को जब चलाने के लिए जाओगे तो वो कह रहा है क्यू प्लस वन से चलाओ, तो क्यू तो थ्री था, वन एड करो तो फोर हो जाएगा, और कहां तक चलाओगे इसको, आर तक चलाओगे, आर का मतलब है इसका फाइनल इंडेक्स कहां पर खत्म हुआ हुआ है, थ्री पे, तो थ्री तक चला दोगे। ये समझ में आ गई बात ही। मैंने इसको थोड़ा पहले तो मैं बता दिया कि ये चलेगा इसलिए नहीं, जैसे रिजवान कह रहा है आउट ऑफ बाउंड और इस तरह के दूसरे जुमले, वो इसलिए कि जब इसको हम कहेंगे कि तुम इसको रन करो तो ये रन इसलिए नहीं होगा कि ये वाली कंडीशन फेल हो रही है जो एल्गोरिथम में लिखी हुई है, ये कंडीशन जो है फेल हो रही है तो ये रन तो होना ही नहीं है इसको, इसकी ब्रांचेस तो बननी नहीं, बनेंगी नहीं क्योंकि कंडीशन ही फेल हो गई, ब्रांचेस तो इसकी बनेंगी जो कि कंडीशन ट्रू हो रहा है, समझ आई बात ये। तो इस बेसिस पे इसकी कोई ब्रांच नहीं बनेगी, इसकी ब्रांच बनेगी, इसकी ब्रांच क्या बनेगी भाई, इसकी ब्रांच फर्दर क्या बनेगी, ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक हो गई बात, याद समझ में आ रही। तो ब्रांच इसकी ये बन के आएगी, आप दोबारा पार्टीशन करने जा रहे हैं क्यू का, ठीक है, आप दोबारा पार्टीशन करने जा रहे हैं क्यू का, और विच इज इक्वल टू पार्टीशन पी, क्या पास करोगे, वही जो कि ऊपर इसके क्यू सॉर्ट ने पास किया वन कॉमा टू, समझ में आती बात है। और उसके बाद फिर इसका क्यू क्या मिल जाएगा, क्यू, अब आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको समझना होगा यहाँ पे, मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा लेकिन सॉल्व हुआ हुआ यहाँ पे है कि वो ये कहता है कि अगली दफा में आपके पास ये दोनों सब आ रहे हैं, तो ये वाला इसका पायर्ट एलिमेंट है, ये तो गया ना, ये तो सॉर्ट हो गया, इसकी तो बात खत्म हो गई, अब सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है, ये इसका पायर्ट पिवट है, सॉरी पायर्ट नहीं पिवट एलिमेंट है, अगर ये इसका पिवट एलिमेंट है तो ये जो वन है इसको अप्रोप्रिएट जगह पे बिठाना है, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये टू यहाँ चला जाएगा, समझ में आई बात है। और उसके बाद आपको वन यहाँ पे जो मिलेगा, वन यहाँ पे जो मिलेगा, तो पिवट एलिमेंट जो है इस इंडेक्स पे मिल जाएगा, इस वाले इंडेक्स में, यानी मैं अगर अलग से लिखूं तो ये वाला इंडेक्स वन हो जाएगा और ये इंडेक्स टू हो जाएगा और ये पिवट एलिमेंट हो जाएगा, इंडेक्स नंबर वन, इंडेक्स नंबर वन पिवट एलिमेंट हो जाएगा, समझ आई बात है। इंडेक्स नंबर वन पिवट एलिमेंट हो जाएगा तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्यू जो आउटपुट देगा वो वन देगा, डेटा नहीं, इंडेक्स वन, मैं लेता हूँ सवाल अभी। और जब इसको फर्दर पार्टीशन की तरफ लेके जाएगा तो ये कहेगा कि क्यू एस कैसे कॉल करूं, तो कहेगा क्यू एस ऐसे कॉल करो, क्यू एस, जी सर, क्या कहा गया क्यू एस के लिए, पहला पार्ट क्या है, ए पी कॉमा क्यू माइनस वन, पी यानी वन कॉमा क्यू माइनस वन, क्यू वन है तो जीरो, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा अगर कॉल करें, दूसरा क्या कॉल कर रहा है, दूसरा कॉल कर रहा है क्यू प्लस वन यानी टू कॉमा, आखिरी पार्टीशन तो इसका टू था, ठीक है, टू कॉमा टू। अब जरा देखें गौर से, मैं आपकी बात को लेता हूँ, बिल्कुल फिक्र, मैं सवाल लेता हूँ, समझाऊंगा भी इसको, लेकिन आप भी थोड़ा जेंटली इसको देखो, तो मेरे ख्याल बहुत आसान सी बात हम कर रहे हैं, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी इसी वाली ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये ट्री जो हमारे पास आ रही है, ठीक, यहां से ये बात समझ में आती, मैं इस वाले इसकी बात कर रहा हूँ, ये वन कॉमा टू इसने चेक किया, पी जो है वो आर से छोटा है यानी वन टू से छोटा है, बिल्कुल सही है, इसकी तीन ब्रांचें बन गई, तीन ब्रांचें बनी, तो पी पार्टीशन के लिए हमने वन टू भेज दिया, ये दो सब एरे भेज दिए, इसका पार्टीशन वन होके आ गया, जब पार्टीशन वन होके आया तो हमने कहा कि अब क्यू एस चलाओ, पहला वाला चलाओ, तो वन से लेकर जीरो तक चल गया, क्योंकि क्यू माइनस वन है तो क्यू वन है, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और अगला वाला क्यू एस इज इक्वल टू कॉमा टू चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों क्विक सॉर्ट चलेंगे नहीं, ना ये चलेगा ना ये चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी इस कंडीशन को फेल कर रहा है और ये भी इस कंडीशन को फेल कर रहा है, ये कॉल तो हो रहे हैं लेकिन चलेंगे नहीं, तो लिहाजा इस वक्त हमारे पास इंटरेस्टिंग कि ना तो ये वाला चलेगा और ना ही ये चलेगा, बिकॉज ऑफ द लाइन नंबर टू, सॉरी लाइन नंबर वन जो एल्गो में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और अब इन तीनों के लिए कोई ब्रांचेस नहीं बनानी हमें, अब हम जंप कर जाएंगे यहाँ पे, अब इस जंप करने से पहले मैं सवाल ले लेता हूँ, तो जी आई अगेन डिफरेंस जीरो, जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको तुम इस तरह कह लो या बिल्कुल लाइन नंबर वन की कंडीशन कह लो, यूएस राइट इग्नोर होगा, जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप इसको ना ज्यादा बेहतर है कि एल्गोरिथम में
हाँ ये वाला क्यों इग्नोर होगा, सही बात है, ये वाला तो हमारा चलना चाहिए ना, ये वाला भी तो इग्नोर हो जाएगा ना, क्योंकि वन जो है वो जीरो से छोटा थोड़ी है, ये भी इग्नोर हो जाएगा, चेक कर लो। ये वाली कंडीशन देखो रिजवान, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन चलेगी तो रन होगा, अदरवाइज इग्नोर होगा ना। तो यहाँ कंडीशन क्या है, पी इज लेस देन आर, अगर ये फेल हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है तो जाएगा, फेल हो रहा है तो नहीं जाएगा। तो पी का मतलब यहाँ पे वन है और आर का मतलब जीरो है, तो वन इज लेस देन जीरो, क्या ट्रू है ये, नहीं तो फेल हो गया ना, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। वी आर नॉट सेइंग कि डिफरेंस जीरो है क्या है, हम कह रहे हैं कि जो इसके अंदर के पैरामीटर्स हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भेज ही रहे हैं, तो इसलिए ये वाला भी फेल हो गया और ये वाला भी फेल हो गया और ये वाला, अब इसकी बात हो रही है, ये वाले पे आ गया, ये तो चलेगा ना, क्योंकि ठीक है बिल्कुल, अगर मैं नहीं पिक कर पा रहा हूँ या तुम नहीं पिक कर, तो थोड़ी देर में मैं माइक ओपन करता हूँ, उसमें पूछ लेना, ठीक है, मैं अभी अगले वाले पे जाके इसकी ट्री बनाता हूँ, फिर मैं माइक ओपन करता हूँ। तो जो मैंने ग्रीन क्रॉस किए ये नहीं चल रहे हैं और ये लाइन नंबर वन की वजह से नहीं चल रहे। अब आ जाइए क्विक सॉर्ट, जो रिमेनिंग पार्ट था ये वाला, मैं रिजवान तुमसे सवाल लेता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, ये वाला चला लूँ फिर सवाल लेता हूँ। अच्छा जी आइए हम यहाँ पे इसको चलाते हैं। जी सर 5.8 ये वाला पार्ट जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, राइट साइड वाला पार्ट, तो मैं अगर इसके ये वाले पार्ट को सारे को मिटा दूँ ताकि हमें क्लीन नजर आए, ठीक है, तो अगर हम राइट साइड वाले पार्ट को देखें तो राइट साइड वाला पार्ट बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा ये वाला पार्ट है। इस पे जब हम चलाना शुरू करेंगे तो हमने 5 लोकेशन भेजी और 8 लोकेशन भेजी, ये 7 जो है 5th लोकेशन पे है और ये 8 लोकेशन पे, जब हम इस पे चलाएंगे तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है, तीन हिस्से कौन कौन से होंगे इसके, पहला पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर करके बनाते, दूसरा पार्ट और इसका ये तीसरा पार्ट, ठीक हो गया, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट, ये तो हो गया पार्टीशन वाला पार्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका पार्टीशन, तो ये आ गया आपके पास Q इज इक्वल टू पार्टीशन, पार्टीशन को हम वही भेजते हैं जो ऊपर से दे रहे हैं 4.5.8, ठीक है, और उसके बाद इसका पार्टीशन क्या बन के आएगा, देखो जेंटली सोचना, पिवट एलिमेंट 8 है, 8 को एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाना है और इस तरह से कि इसके लेफ्ट साइड पे सारे छोटे एलिमेंट हो, राइट साइड पे सारे बड़े एलिमेंट हो, एल्गोरिथम हमने देख लिया अभी, तो 8 के राइट साइड पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 8 सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सब एरे में। लेफ्ट साइड पे हो सकता है यही एलिमेंट इसी तरह मौजूद रहे, नहीं रहे मुझे नहीं पता, लेकिन लेफ्ट साइड पे ये तीन ही एलिमेंट होंगे। तो जब हम बनाएंगे तो क्यू की जो वैल्यू आएगी आपके लिए इस वक्त ये पिवट एलिमेंट सही जगह पे है तो क्यू की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है, पिवट एलिमेंट अपने एप्रोप्रिएट जगह पे है, उसका इंडेक्स 8 है, डेटा भी 8 है, इंडेक्स भी 8 है, ये बात समझ में आ गई। तो हाँ, तो फिर दो हिस्से में ब्रेक कर देते, अगर ये छोटा होता तो फिर जैसे ऊपर दो हिस्से में ब्रेक हुआ है, अभी मैंने अगला सवाल भी प्लान किया हुआ है वो भी मैं समझाता हूँ अभी, अगर ये मिसाल के तौर पे ये वाला एलिमेंट जो है वो छोटा है, यानी यहाँ पे 6, यहाँ 8 होता और यहाँ 6 होता, तो डेफिनेटली 6 को हम एप्रोप्रिएट जगह करते और 200 में डिवाइड कर देते, तो उसके बाद दोनों क्विक शॉट चलते। अभी भी हम कॉल तो दोनों क्विक शॉट को करेंगे लेकिन एक चलेगा और एक नहीं चलेगा, वो कैसे, देखो यहाँ पे अगर हम आगे जाएं तो इस जगह पे हम क्विक शॉट कॉल करेंगे, ये वाले जगह, तो जब क्विक शॉट कॉल करेंगे तो तुम बताओ इस वक्त क्विक शॉट क्या कॉल होगा, पार्टीशन के बेसिस पे पहला क्विक शॉट, तो कह रहे पी, यानी इस वक्त इस एरे का पी जो है वो लोकेशन नंबर 5 है, यानी पहला एलिमेंट, तो लोकेशन नंबर 5 यानी वो 5 है, तो कह रहे 5 से चलाओ और Q-1 तक जाओ, तो 5, कहाँ तक जाएगा, 8 आखिरी पिवट एलिमेंट है, उससे एक कम चलाना है, यानी 7 तक जाएगा, बिल्कुल सही लिखा तुमने, अब देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये बिल्कुल सही लिखा तुमने, 5 से लेकर 7 तक जाएगा, ठीक हो गया, और दूसरे वाले को जब मैं चलाऊंगा तो वो क्विक शॉट जो चलेगा दूसरा वाला क्विक शॉट, वो हमें सोचना भी नहीं है कि मैं ये क्या ले, बस जो फॉर्मूला कह रहा है वो लिख दो, वो क्या कह रहा है कि एक आगे से चलाओ, यानी 9 से चलाना शुरू करो, नहीं 9 से अगला क्विक शॉट देखो, अगले वाले को यहाँ से ये वाला है, तो वो कह रहा है Q+1, तो Q 8 है तो 9 से चलाओ,
ठीक है, 9 से चलाया और कहां तक जाएंगे, R तक, यानी 8 तक, ठीक है, यहां तक। ये बिल्कुल मैं इन दोनों को देखते हुए चला रहा हूँ, पहले वाले को देख के दूसरा वाला 9 से 8 तक। अब ऐसा लग रहा है ये कैसे चलेगा, तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, कहां फेल होगा ये सोचना है। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये उल्टा ऑर्डर है सीधा ऑर्डर है, बल्कि हम ये सोचेंगे कि ये फेल हो जाएगा इस लाइन नंबर 1 पे जाके, कि इस वक्त ये क्विक शॉट जब यहाँ से कॉल होगा ये वाला, क्योंकि ये क्विक शॉट तो वैसा बन गया ना यहाँ से, अब यहाँ से हम 9-8 भेजेंगे, 9-8 P9 हो जाएगा और 8 जो है वो R हो जाएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो 9 is not less than 8 तो वो फेल हो जाएगा, 9 जो है वो 8 से छोटा नहीं है तो लिहाजा उसको फेल कर देंगे। तो इसका मतलब है इस वक्त ये वाला नहीं चलेगा, जो मैं ग्रीन मार्क करता जा रहा हूँ वो क्विक शॉट नहीं चला पाएंगे, ठीक है, बस समझ आ रही। और ये क्यों नहीं चला रहे, ये फेल हो रहा है अपने बेसिकली लॉजिकल एल्गो में जाके, मैं ये नहीं कह रहा ऑर्डरिंग की वजह से, एल्गो में जाके फेल हो रहा है इसलिए इसको नहीं चला रहे, लेकिन ये चलेगा क्योंकि यहाँ से हम पास करेंगे, जब इस वाले क्विक शॉट को पास करेंगे तो यहाँ से पास होगा वो, और वो 5 जो है 7 से छोटा है तो ये ट्रू है, तो दोबारा से ये 3 ब्रांचेस बनाएगा इसकी, ये 3 ब्रांचेस इसकी बनाने जा रहा हूं मैं, 3 ब्रांचेस जब इसकी बनेंगी तो इसकी 3 ब्रांचेस, एक ब्रांच ठीक है, दूसरी ब्रांच और ये इसकी तीसरी ब्रांच, 3 ब्रांचेस भी बना रहे हैं क्योंकि हर क्विक शॉट जो कि वैलिड है उसकी 3 जॉब्स हैं, पहली जॉब पार्टीशन है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एलिमेंट हमें नजर आ रहा है, ये क्योंकि 8 पिवट और अरेंजमेंट होने के बाद अपनी जगह पे चला गया, तो अब हमारे पास सब एरे में 3 है, 3 एलिमेंट होंगे ये वाले, समझ मारी बात, ये 3 एलिमेंट होंगे, और सुनना क्या कह रहा हूँ जी, ये 3 एलिमेंट होंगे अब अगले वाले के लिए, और इस 3 एलिमेंट को हम भेजेंगे, जब इन 3 एलिमेंट को भेजेंगे तो देखो क्या भेज रहे हैं, 5 से लेकर 7 तक, इसकी लोकेशन 5 है, इसकी 6 है और इसकी 7 है, ये भेज रहे हैं ना हम कि 3 को जाके पार्टीशन बनाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं आगे लिखूं यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा पार्टीशन, यानी क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू ठीक है पार्टीशन, और क्या पास करूंगा इसमें से 5, 7 वही पास करेंगे जो ऊपर से जा रहा है, सारे स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना भाई, ये हम पास कर देंगे, ये नहीं बोला दोबारा समझाएं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, 5, 7 पास कर देंगे, और ये सोचना ये है कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा इस एल्गो में, देखो ये पार्टीशन चलाता है, पिवट एलिमेंट 6 है, 6 को इसके एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाने के लिए जब बात करेंगे तो 6 जो है वो बीच में आएगा देखो, और 6 के लेफ्ट पे इससे छोटा और राइट पे इससे बड़ा एलिमेंट होगा, ये पिवट की एल्गोरिथम की बेसिकली जो हम पार्टीशन कर रहे थे उसका रूल है, इसका मतलब है 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, सॉरी, और 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये अपनी जगह बैठ जाएगा, तो कौन सी लोकेशन पिवट की मिलेगी, 6 मिलेगी, तो 6 लोकेशन जो है वो पिवट में रिटर्न हो जाएगी आपको। अच्छा यहाँ पे इत्तेफाक के डेटा भी वही चल रहा है क्योंकि उन्होंने सिंपल डेटा चूज किया था बुक वालों ने, बुक की एग्जाम्पल आप जाके देख सकते हैं बुक में, तो पिवट में 6 आ जाएगा, इंडेक्स है ये, इंडेक्स नॉट डेटा। और जब क्विक शॉट चलाऊंगा मैं, क्विक शॉट इस बेसिस पे, क्विक शॉट देखो अब जब ये क्विक शॉट चलेगा, क्योंकि इस वाले क्विक शॉट के बेसिस पे हम नीचे आए हैं, पार्टीशन कर लिया, क्योंकि वैल्यू 6 मिल गई, अब ये पहला क्विक शॉट रन कर रहे हैं इसका सब रिकर्जन, तो कह रहा है क्या कॉल होगा, कह रहा है कि इस एरे का पहला इंडेक्स जो कि 5 था कॉमा, और एक कम जो भी पार्टीशन मिला है उससे एक कम चलाओ, क्यू माइनस 1, तो 5 तक चलाओ, ठीक हो गया, ये तो चल गया पहला वाला क्विक शॉट। और दूसरा क्विक शॉट चलाने के लिए उसने क्या बोला है कि क्विक शॉट चलाओ, क्विक शॉट, और ये एक आगे से चलेगा, एक आगे से चलेगा का मतलब ये है दूसरा वाला क्विक शॉट, तो ये 6 + 1 7 से चलेगा, ठीक है 7 से, और 7 से चलने के बाद ये कहां तक जाएगा, 8 तक, और इसका फाइनल इंडेक्स जो है वो 7 ही है, तो 7 तक चलेगा, 7 से 7 तक, यानी क्विक शॉट जो है वो एक आगे से चल के 7 से 7 तक चल जाएगा ये दोनों। और अगर हम देखें तो ये दोनों जब कॉल होंगे तो अपनी लाइन नंबर 1 की वजह से ये बेसिकली फेल हो जाएंगे, तो हमारे हिसाब से ये बेसिकली फेल हो गए, तो ये अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे हिसाब से ये बेसिकली ये वाला भी फेल हो गया और ये वाला भी फेल हो गया। अब तुम जो कह रहे हो कि 7, 8 तो 8 कैसे होगा और 6, 5, ये तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि देखो ये इंडेक्स सिक्स रिटर्न हुआ है, इधर देखो भाई रिजवान साहब और बाकी सारे स्टूडेंट, इंडेक्स 6 रिटर्न हुआ है, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, यहाँ पर इंडेक्स 6 रिटर्न हुआ है इस वक्त, जो कि हमने यहाँ देखा 6 इंडेक्स रिटर्न हुआ, ये वाला 6 इंडेक्स रिटर्न हुआ है पायलट बनाने के बाद,
अब आप ये दोनों चला दो ना, रन कर दो, इसमें क्या कंफ्यूजन है? वो कह रहा है कि पी से चलाओ और क्यू माइनस वन तक चलाओ. पी वो है जो इस सब एरे का पहला इंडेक्स है, तो फाइव पहला इंडेक्स है. तो आपने कहा फाइव से चलेगा, ये वाला फाइव से चलेगा और एक कम तक जाएगा. तो सिक्स इसका रिटर्नेबल इंडेक्स था, तो एक कम का मतलब क्या हो, फाइव से चलेगा फाइव तक जाएगा, ठीक है. और दूसरा वाला एरे, दूसरा वाला क्विक सॉर्ट जो रिकर्सिव कैसे चल रहा है, जो रिटर्नेबल हुआ है उससे एक आगे से चलाओ. तो सिक्स हुआ है तो सेवन से चलाओ, तो सेवन से चलाया मैंने सेकंड वाले को, और आखिरी इंडेक्स तक जाओ. तो इस सब एरे का आखिरी इंडेक्स क्या, सेवन है, तो सेवन तक चलाओ, सेवन से सेवन आ जाएगा. और जब हम इसको रन करने के लिए भेजेंगे, क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे कि सेवन से सेवन चलाओ, सेवन से सेवन चलाओ, तो वो फेल हो जाएगा हमारी लाइन नंबर वन की वजह से. तो ये बेसिकली हमारे पास एग्जैक्टली जो है, ये मिनट क्यों गया वाला, वैसे तो फेल हो गया था. तो ये बेसिकली सारा का सारा हमारे पास जो है वो रन होके रिजल्ट आपको देगा. अब इसमें चलेगा कौन कौन सा, अगर हम इसकी ट्रैवर्सिंग करें तो देखिए ट्रैवर्सिंग कुछ इस तरह से होगी कि अगर आप इसकी ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से कर रहा होगा कि यहाँ से चलाना शुरू किया आपने, ठीक है, ये क्विक शॉट कॉल हुआ और इसको आपने डाल दिया किसके अंदर, ये क्विक शॉट कॉल हुआ और इसको आपने डाल दिया स्टैक के अंदर, ठीक है. उसके बाद आप आए, ये एक जॉब थी, जॉब कंप्लीट की आपने, इससे रिटर्न आ गया आपके पास. ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे क्विक शॉट, बेसिकली मैं पूरा नहीं लिखा, थोड़ा शॉर्ट टाइम बहुत शॉर्ट रह गया. और उसके बाद आप यहाँ पे आए, उसके बाद फिर ये जॉब है. अभी ये जॉब कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए क्विक शॉट यहाँ पर 1.8 की वजह से ये यहाँ मौजूद है. इसकी तो पूरी ट्री है जो कि सॉल्व होनी है. फिर ये वाला क्विक शॉट कॉल हुआ, क्या है ये क्विक शॉट, ये क्विक शॉट है क्विक शॉट ऑफ 1.3. ये जॉब कॉल भी, ये जॉब कॉल भी इसको आपने इसमें डाल दिया, इसकी भी एक जॉब है. इसने कहा कि इससे क्या रिटर्न आ रहा है, इससे 3 रिटर्न आ रहा है. 3 रिटर्न आने के बेसिस पे आपने मजीद पार्टीशन कर दिया 1.2. तो आपने कहा क्विक शॉट 1.2, क्विक शॉट 1.2, इस तरह से आपने 1.2 भेजा और ये फिर चलना शुरू हुआ. इसने कहा 1 और उसके बाद ये 1 लोकेशन आ गई. और उसके बाद आपने कहा कि मैं यहाँ से जब इसके पास आ रहा हूँ तो ये भी जाएगा एरे के अंदर, यानी क्विक शॉट ऑफ कौन सा है पोजीशन 1.0, जाएगा एरे में, लेकिन इसकी कोई जॉब नहीं है क्योंकि ये फेल हो रहा है यहाँ पे. तो फेल होने की वजह से ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये भी जाएगा एरे में इसी लोकेशन पे, ये भी बाहर निकल जाएगा. और इसके बाद हम 1.2 को सॉर्ट कर चुके होंगे, 1.2 को सॉर्ट कर चुके होंगे इसके पिवट, और ये फाइनली बाहर निकल रहा है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा. उसके बाद यहाँ से इसकी एक जॉब अभी बाकी है, ये वाली है, इसके पास जाएंगे ये, क्योंकि ये भी जाएगा एरे के अंदर. देखिए ये उसी लोकेशन पे जाएगा जो डेप्थ 1.2 की थी. मैंने कहा था ना सेम डेप्थ के रिकर्सिव कॉल सेम लोकेशन पे जाते हैं, तो 1.2 और 4.3 एक ही डेप्थ पे है. तो 1.2 को निकालने के बाद 4.2 यहाँ पे, 4.3 यहाँ पे जाएगा. लेकिन क्योंकि ये इस कंडीशन को फेल कर रहा है लिहाजा इसकी कोई जॉब नहीं है, ये जाएगा और बाहर आ जाएगा. अब देखें 1.3 की सारी जॉब हो गई, जो जो सॉर्ट करने थे वो सब सॉर्ट हो गए और 1.3 को बाहर निकाल देंगे, 1.3 भी बाहर निकल जाएगा. और उसके बाद ये 1.8 के पास जाएगा, 1.8 की सारी जॉब नहीं हुई, 5.8 वाली राइट साइड वाली जॉब बाकी है. राइट साइड वाली जॉब को देखो 1.3 5.8 एक ही लोकेशन पे एक ही डेप्थ में है, लिहाजा ये 1.3 वाली लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा 5.8 पे जाकर. और उसके बाद ये जॉब करने के लिए वो पहले यहाँ पे आएगा, इसका पार्टीशन बनाएगा, इसके बाद इसका पार्टीशन के लिए इसके लिए पार्टीशन बना के यूएस कॉल करेगा. ये कॉल करने के बाद ये आ जाएगा इस लोकेशन पे, ठीक है, क्यूएस इस लोकेशन पे. यहाँ से फिर इसकी पार्टीशन बनाई जाएगी, इसकी पार्टीशन के बाद इस वाले को कॉल करेगा. इसकी कोई जॉब नहीं है, जाएगा स्टैक में बाहर आ जाएगा, ये जाएगा स्टैक में बाहर आ जाएगा. और उसके बाद ये फाइनली बाहर आ रहा है, तो 5.7 बाहर निकल जाएगा. 5.7 बाहर जॉब नहीं आ रखा था, 5.7 ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से ये आएगा 5.8 के पास. 5.8 ये मौजूद है अभी स्टैक में, इसकी सारी जॉब नहीं हुई, यानी जॉब जाएगी लेकिन बाहर आ जाएगी, मिस हो गई, पता नहीं क्या था यहाँ पे लिखा हुआ. और उसके बाद ये फाइनली यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ से बाहर निकल रहा होगा तो आपके पास ये सब बाहर निकल चुके होंगे, क्योंकि फाइनली आप 5.8 से बाहर आ रहे हैं, तो 1.8 बचेगा. 1.8 से जब बाहर निकलेंगे तो सारे एलिमेंट सॉर्ट हो चुके होंगे इस बेसिस के ऊपर. समझ आई बात है? तो ये बेसिकली आपके पास सारा वर्क कर रहा होगा. अब हमें देखना यहाँ पे ये है, ये समझ में आ गई. इसमें मैंने बेसिकली इसको रन कर लिया मैंने यहाँ तक, और क्विक सॉर्ट को भी चला दिया. देखिए ये मैं ये वाली जो डायग्राम बनाई ना, ये बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, मैंने खुद बनाई है और इसको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आएगा क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली कॉल कैसे हो रहा है. तो 3 लाइनों का एल्गोरिथम, लेकिन इसके पीछे ये पूरी ट्री जो है जनरेट हो रही है. ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूँ, बारी बारी आपसे सवाल लेता हूँ. और अब हम देखेंगे कि इसकी जो दूसरी कंडीशन है कि क्या ये भी मर्ज की तरह वर्स और बेस्ट,
केस में सेम काम करेगा या डिफरेंट काम करेगा, तो ये हमें जरा देखना है। इसमें थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है तो मैं वो समझाना चाहता हूँ। ट्री अगर समझ आ गई है आपके तो उस बेसिस के ऊपर आपको मैं एक छोटा सा क्विज दूंगा, वो आप आज आपको मगरिब के बाद मिल जाएगा, कल रात 12 बजे तक आप सबमिट करा दीजिएगा क्विज को, ताकि एक एक्टिविटी हो जाए, ताकि आपके पास मर्ज और क्विज के बेसिस पे जो सॉल्यूशन है वो आपको आता हो। और अगले वीक में फिर मैं एक असाइनमेंट दूंगा आपको इन सबों को मिला के, डिवाइड एंड कंकर के बेसिस पे ये काम हो गया। अब अगला हमें एक हीप सॉर्ट को सॉल्व करना है, लेकिन जाहिर है इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया हमें समझाने में, बेसिक लगा लेकिन इसके एल्गोरिथम समझ आ गए थे, लेकिन इसको व्यू करना एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि व्यू करके आपको नजर आ जाए ना, तो फिर आप कहते हैं कि हम ये क्लियर हो गया क्या काम हो रहा है। देखिए एक चीज मैंने व्यू करा दिया है, अब सिर्फ ये बताना रह गया कि आप बेसिकली सेव कर दे ताकि आपके लिए सेव हो जाए, ठीक है। तो अब हमें देखना ये है कि इसकी वर्स्ट कंडीशन क्या है। मैं अनम्यूट करता हूँ फिर आपसे सवाल आ लेता हूँ, अगर समझ आ गया और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अनम्यूट कर दिया मैंने जी। जुनेद साहब, मलिक अरसलान, रवाल, रिजवान, साबिया अमीन, जिया, सवाल आ गए। ये थोड़ा सा आप स्किम थ्रू करा सकते हैं हमारा पार्टीशन वाले कौन से आप पार्टीशन वाला एल्गोरिथम है, पार्टीशन वाला एल्गोरिथम समझाओ या ट्री में समझाओ, एल्गोरिथम समझाओ, एक एल्गोरिथम थोड़ा सा करके वॉक थ्रू करा दो। जी जी मैं एल्गोरिथम गो थ्रू कर, ये वाले ट्री तो नहीं समझा रही, एल्गोरिथम समझाना है। ट्री सर काफी अगर इस पे किसी की पोजीशन है तो कर लें, वो तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं पार्टीशन वाला एल्गोरिथम समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा देखो पार्टीशन वाले एल्गोरिथम को मैं यहाँ पे दोबारा से एक दफा कुछ रिव्यू कर देता हूँ और उसके बेसिस पे तुम देखो, हमने मैंने भी ना इसमें किसी चीज को बेसिकली डिसऑर्डरिंग नहीं की। डिसऑर्डरिंग से मुराद है कि जो लिखा हुआ था ना उसी ऑर्डर में सब कुछ कर दिया मैंने, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये मेरे पास बनी भी नहीं थी, मैंने रन टाइम पर जनरेट की और ये बुक की एग्जाम्पल है। मैं अगर सोचता कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये एक मुश्किल था। मैंने सिर्फ ये क्या फॉलो किया, मैंने कहा ये चार लाइनें लिखी हुई ना इसी को फॉलो करते जाओ और रिजल्ट जनरेट करते जाओ। आपने भी ऐसे ही सोचना है कि सिर्फ इस एल्गोरिथम को फॉलो करके जो है वो आपने आगे बढ़ना है। समझ में आई बात है? तो मैंने जहाँ पे देखा कि ये वाली कंडीशन फेल हो रही है उसको मैंने क्रॉस लगा दी, जहाँ पे देखा कि कॉल हो गया है तो पार्टीशन पिक करके अगले दो जन जो इसके रूट थे यानी जो ब्रांचेस थी वो जनरेट कर दी। तो इसके बेसिस पे जो पार्टीशन का आउटपुट आया है उसके बेसिस पे ये ब्रांचेस जनरेट करना बस ये है, ठीक है। तो मैं अब आपको सिर्फ एक दफा ये क्विक सॉर्ट का ये वाला एल्गोरिथम क्विक रिव्यू कराता हूँ। ये मैं इरेज कर देता हूँ और देखो ये आपके पास एल्गोरिथम है और इसमें आपने जो है स्टार्ट से अगर देखा जाए तो छोटा कर दें, अगर हम ये स्टार्ट हो रहा है तो ये डेटा दिया हुआ है इनिशियली आपके पास। यहाँ पर जो एल्गोरिथम चल रहा है वो बेसिकली आपने देखना है, क्योंकि हमने तो लिखा नहीं है, आप इसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे एल्गोरिथम जो रन कर रहा हूँ मैं ये बेसिकली एक एरे दे रहे हैं और उसी के अंदर बेसिकली बार बार सॉर्टिंग जो है वो यानी पिवट एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, इसका जो हमारे पास लेंथ है वो पी इज इक्वल टू A is equal to P से R तक है। P is the initial index and R is the final index. इसमें हमारी जो अपनी से एल्गोरिथम में हमारी अपनी जो सपोजिशन है वो ये है कि the last element is a pivot element. ठीक है, last element is a pivot element. ये समझ में आ गई बात है, ये हमारी सपोजिशन है। और उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स इसमें इनिशियलाइज किए हैं, एक वेरिएबल J है और एक वेरिएबल I है। अब और सुनना, I इस वक्त ट्रैक कर रहा होता है उन एलिमेंट्स को जो पिवट एलिमेंट से छोटे हैं, यानी जहां पर आई होगा उस तक के एलिमेंट पिवट एलिमेंट से छोटे होंगे। समझ आई बात ये? और जे जो है वो आगे की तरफ मूव करा रहा है, आपको बेसिकली ट्रैवर्स करा रहा है एरे के अंदर। जे जो है वो ट्रैवर्स करा रहा है एरे में, ये दोनों याद आ रखना, अभी वाइवा हो तो आप इस तरह जवाब देंगे कि आई बेसिकली ट्रैक कर रहा है कि इस लोकेशन तक के एलिमेंट पिवट से छोटे हैं, शुरू से लेकर यहां तक के एलिमेंट पिवट से छोटे हैं। और जे बेसिकली ट्रैवर्स कर रहा है एरे के अंदर और ढूंढ रहा है कि किस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि कोई नया एलिमेंट तो हमें नहीं मिल रहा छोटा जिसको हम आई के अंदर भेज दें। ये दो काम हो रहे हैं।
तो इनिशियली अभी हमें नहीं पता है कि कोई एलिमेंट इस वक्त पिवट से छोटा है या नहीं है, तो इसलिए आई को हमने बाहर रखा हुआ है, इंडेक्स से भी बाहर रखा हुआ है। इंडेक्सिंग इस तरह होती है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स है, इस तरह इंडेक्सिंग होती है। जे दो काम कर रहे हैं, देखिए स्वैपिंग सिर्फ जे से नहीं हो रही, स्वैपिंग आई और जे दोनों से हो रही है। जे बेसिकली ट्रैवर्सिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी आपने एरे में एक दफा घूमना है ना, तो वो मेन मकसद इसका घूमना है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा फायदा भी उठा रहे हैं कि आई और जे को मिला के स्वैप कर देते हैं। मेन मकसद तो यह है कि आप एरे के अंदर एक दफा ट्रैवर्स कर जाएं पूरा का पूरा, और उस ट्रैवर्स करने के दौरान ये काम भी कर लें कि स्वैपिंग भी इसके बेसिस पे करें। तो वो दो काम, दो नया वेरिएबल बनाने के बजाय उसी जे को फायदा उठा लिया इस काम में हमने, से मुराद है प्रथम, ठीक है, थ्री फोर और फाइव सिक्स, ठीक है, ये इसके सेवन और एट, ये इसकी लोकेशन है। ये लोकेशंस जो है बेसिकली हमें दी हुई, और इनिशियली देखिए मैं यहाँ पे आऊँ तो कुछ सेटिंग की है इन्होंने, सबसे पहले ये इनिशियल सेटिंग है कि पिवट एलिमेंट को एक्स को दे दिया हमने ताकि आगे हमें आसानी हो। पिवट एलिमेंट किसको दे दिया, एक्स को, तो पिवट में एक्स में फोर है और आई को इंडेक्स से भी बाहर कर दिया, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि कोई ऐसा एलिमेंट है या नहीं है जो कि आर से छोटा है, ठीक है, यानी पिवट एलिमेंट आर से नहीं, पिवट एलिमेंट छोटा, तो आई को हमने बाहर कर दिया। अब हमने लूप चलाना शुरू किया, दिस इज फॉर द ट्रैवर्सिंग इनसाइड द एरे, ये मेन मकसद है इसका, बाद में और इसके मकासिद हासिल करने वाले एक बात। तो अगर हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन, जे को पहली लोकेशन से चलाना शुरू किया, ठीक हो गया, जे पहली लोकेशन से। अब हमारे जहन में है तीन चीजें, एक्स में फोर है, आई में जीरो है, जे में वन है, और उस बेसिस पे कुछ इस पहली कंडीशन को चेक किया लूप में आने के बाद कि क्या पहली लोकेशन पे रखा हुआ डेटा, क्योंकि ए जे का मतलब है पहली लोकेशन, पहली लोकेशन पे रखा हुआ डेटा पिवट एलिमेंट से छोटा है। अगर ये चीज ट्रू है, अगर ये चीज ट्रू है, पहली लोकेशन पर रखा हुआ डेटा पिवट एलिमेंट से छोटा है, तो फिर हम ये वाला काम करेंगे, ये स्टेप भी चलाएंगे और ये स्टेप भी चलाएंगे, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास ए जे में टू रखा हुआ है, ए जे में टू रखा हुआ है और ये पिवट एलिमेंट से छोटा है, समझ आ रही बात है, तो इसका मतलब है कि ट्रू हो गया हमारे पास। तो ये ट्रू होने की, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू होने की वजह से अंदर आ गया, अंदर आने की वजह से क्या हुआ, इस इफ की कंडीशन के अंदर आए तो आई में एक इजाफा करो, तो आई जो है इजाफा करने की वजह से किस लोकेशन पे आ जाएगा, इस जीरो से बढ़कर जब वन ऐड करेंगे तो पहली लोकेशन पे आ जाएगा, आई जो है वो यहाँ पे आ गया, समझ आ गई बात, आई जो है इस लोकेशन पे आ गया। अभी इस वक्त आई और जे सेम लोकेशन पे, अभी आप लूप दोबारा गए थोड़ी, अभी आप इस जगह को सॉल्व किया आपने, अभी जे वन ही लेके बैठे हैं, और फिर कहा क्या कि आई को जे से एक्सचेंज कर दो। इस वक्त इस सिचुएशन में आई और जे सेम ही है, तो लिहाजा एक्सचेंज करोगे कोई फर्क नहीं आएगा, इस वक्त तो कोई फर्क नहीं आना, तो टू टू से रिप्लेस हो जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा, सही है। और फिर तुम उसके बाद अगले लूप की तरफ चले जाओगे, तो आई जो है ये यहीं पे रहेगा और जे जो है वो अगली लोकेशन पे आ जाएगा, तो जे जगह यहाँ पे आ गया अगली लोकेशन पे। तो मैंने क्या कहा था, आई किसको ट्रैक कर रहा है, आई ट्रैक कर रहा है कि पिवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट यहाँ तक है, लेकिन इस वक्त तो पहली लोकेशन है, तो ये एक पिवट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट है, ये ट्रैकिंग हो रही है। और उसके बाद फिर आप ऊपर चले गए, जे यहाँ आ गया, फिर आपने चेक किया कि इस जगह पे रखा हुआ डेटा पिवट एलिमेंट से छोटा है या नहीं है, आप कहेंगे नहीं है छोटा, तो फेल हो गया, तो जे आगे बढ़ जाएगा, आई में कोई चेंजेस नहीं। जब ये फेल हो गया तो ये दोनों लाइनें चलाएंगे नहीं, आगे आ जाएंगे आप, इस जगह पे आ गया जे, तीसरी लोकेशन पे, तीसरी लोकेशन पे जे आ गया, ये देखें जे जो है तीसरी लोकेशन पे आ गया, ये रहा। फिर देखेंगे इस लोकेशन पे रखा हुआ डेटा पिवट एलिमेंट से छोटा है, आप कहेंगे नहीं है, फिर फेल हो गया, फिर जे एक आगे बढ़ जाएगा, जे आगे चला गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन इसकी फेल हो गई। अब आप कहेंगे इस लोकेशन पे रखा हुआ डेटा जो है वो पिवट एलिमेंट से रखे हुए डेटा से छोटा है, आप कहेंगे है। अब इंटरेस्टिंग बात है, और सुनना, जे पिवट से छोटे, यानी चेक इससे कर रहे हैं, और आपको पता है कि आई ट्रैक कर रहा है कि आई तक के डेटा जो है पिवट एलिमेंट से छोटा है, समझ आई बात है। तो आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे ये एक और नया एलिमेंट मिल गया, इसको एडजस्ट करोगे ना, तो इसको उठा के इस एट की जगह रिप्लेस करना है, तो आई में एक इजाफा करोगे, ये देखो आई में एक इजाफा करते हैं पहले, तो आई अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, लोकेशन नंबर टू पे, और जे पे रखे हुए डेटा को आई पे रखे हुए डेटा से रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एट यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ चला जाएगा, समझ आ रही बात है। आई में इजाफा कर चुके हैं तो आई टू दूसरी लोकेशन पे और एट यहाँ चला जाएगा, और फिर फॉर के लूप के लिए आगे चले जाएंगे, तो फॉर के लूप के लिए इस जगह पे आ जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है मेरी।
तो अब देखें आई किसको ट्रैक कर रहा है, आई ट्रैक कर रहा है कि आई तक के एलिमेंट पिवट एलिमेंट से छोटे हैं। अगर एक नया एलिमेंट मिलेगा ना तो उसको हम सेवन से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आई से अगली एलिमेंट सेवन है, इससे हम नया एलिमेंट रिप्लेस कर देंगे पिवट एलिमेंट से अगर छोटा एलिमेंट हुआ। तो देखें थ्री आ गया, थ्री क्या पिवट एलिमेंट से छोटा है? जी छोटा है। तो क्या छोटा है यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या करना है, आई में इजाफा करो, आई यहाँ की बजाय यहाँ आ गया और आई जे को रिप्लेस कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ थ्री आ गया और यहाँ पे क्या चला गया, सेवन आ गया। तो आई तक के एलिमेंट पिवट एलिमेंट से छोटे हैं, आगे के बारे में भी पता नहीं है, ये बॉक्स बनाता जा रहा है, तो अब ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ये कब तक चलेगा, आर माइनस वन तक चलता जाएगा। जब आखिर में पहुंच जाएंगे तो देखें आखिर में पहुंचेंगे तो यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। जब हम आखिर में बाहर निकलेंगे तो ये बात तय हो जाएगी कि आई तक के एलिमेंट पिवट से छोटे हैं और आई के आगे तक के एलिमेंट आर माइनस वन तक पिवट से बड़े हैं, ये बात तय होगी। अब पिवट एलिमेंट को बिठाना है तो पिवट एलिमेंट कहाँ जाएगा, इस जगह पर जाएगा। तो ये बात श्योर है कि आई से अगले लोकेशन पिवट की लोकेशन है। हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है कि आई तक के आई प्लस वन तक के आई तक के डेटा जो है पिवट से छोटे होंगे और आई के बाद के डेटा जो है वो पिवट से बड़े होंगे, ये श्योरिटी है 100%। तो अब आपने सिर्फ रिप्लेस करना है, तो हमें जेंटली सोचना है ना, हम तुक्के तो नहीं लगा रहे, हमें पता है कि अब ये पिवट एलिमेंट जो है वो आई से एक अगली लोकेशन पे चला जाना चाहिए। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि ए की आई प्लस वन लोकेशन को आर लोकेशन से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, ए की आई की अगली लोकेशन यानी ये एट वाला लोकेशन जो है जो डेटा है ये फोर से रिप्लेस हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। और आपने क्योंकि बाहर क्या भेजना है, आपने बाहर इंडेक्स भेजना है, तो आप कौन से आई, आई को अभी चेंज नहीं किया था आपने, आपने सिर्फ यहाँ पे लिखा था आई प्लस वन का डेटा, आई की वैल्यू सेव नहीं की कहीं पे, तो इसने इन दोनों डेटा को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन आई स्टिल इसी लोकेशन पे है। तो आप बताएंगे कि पिवट एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे है, जहां पे आई आया है ये पिवट से छोटे एलिमेंट है, इसकी अगली लोकेशन पिवट है, पिवट की लोकेशन है, तो वो फोर है। तो आपने रिटर्न में क्या किया, फोर, जैसे रिटर्न फोर करेंगे तो पार्टीशन को जो रिटर्न रिसीव हो रहा है वो किसमें हो रहा है, क्यू, क्यू, क्यू को रिसीव हो जाएगा फोर, डेटा नहीं इंडेक्स रिसीव हो जाएगा। दिस इज एल्गोरिथम फॉर द पिवट एल्गोरिथम, ठीक है। बात समझ में आ रही, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ तक रखते हैं आज हम, और अगली मैं आपको आज मगरिब के बाद जो ना एक क्विज अपलोड करूंगा, वो आपने कल जो है वो अपने 12 बजे तक आपने क्विज को जो है ना अपलोड कर देना है। आप अपनी, मेरा ख्याल है ये एक दफा आप देखो इसमें, मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि इसमें बुक से कोई चीज वेरिएशन नहीं है। आपको आसानी क्या होगी, मैं आपको बुक जो है ना शेयर करके दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सी तसल्ली हो जाए कि ये दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली बुक शेयर कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। न्यू शेयरिंग और इस बुक, ठीक है, आप भी बुक को जरूर पढ़ें। देखें बुक शेयर हो गई होगी आपके सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जो एग्जाम्पल हमने पिक की, देखिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कट की, ठीक है, इसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, और ये एल्गोरिथम देखिए यहाँ से पिक किया, ये यहीं से कट किया, और उसके बाद ये पार्टीशन वाला एल्गोरिथम पिक किया, शुरू की स्लाइड्स आप पढ़ ली, यही मैंने यही यहीं से कट पेस्ट करके लिखा है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको बुक के अलावा, इसमें मजीद बहुत डिटेल है, ये सब चीजें मैं आपको वर्डिंग में बता रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन मेंटेनेंस और टर्मिनेशन कैसे होगा, ठीक है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, अगर कोई मेरी बात मिस कर जाओ, और ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दिए वो समझाने के लिए, तो ये पढ़ना जरूर, ये क्वेश्चंस नहीं समझ आए पूछना मुझसे, जो हमारे लेवल के होंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला टास्क था परफॉर्मेंस, जो हमें जो आज पढ़ाना था, परफॉर्मेंस ऑफ द वर्स्ट केस बेस्ट केस, इसकी कंडीशन डिफरेंट है, और उसके बाद ये समझा के ये टॉपिक जो है वो हमारा, इसके बाद हमें एक टॉपिक इसमें और ऐड होता है जो कि हम कहते हैं रेंडमाइज वर्जन ऑफ द क्विक सॉर्ट, ये करवाने के बाद जो है वो फिर हम इसको खत्म करेंगे अगली क्लास में। तो और अगली क्लास में बुक को ही फॉलो करूंगा सर, क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम अगर आएगा तो वो ही आएगा जितना हमने पढ़ा है, आगे की कोई चीज नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको जैसे स्लाइड शेयर कराता हूँ मैं अगर आपको अभी, तो आगे एक दो चीजें मैं पढ़ानी थी जो मैं नहीं पढ़ाया अभी मैंने, वो यही थी कि अगर स्लाइड को आगे लेके जाऊं मैं, देखो यहाँ पे स्लाइड को अगर आगे लेके जाऊं तो ये क्वेश्चन है जो मैं जो आपसे करवाना था, इसी तरह का कोई क्वेश्चन मैं आपको दे दूं कि इसके सारे स्टेप, पहले पिवट निकालने, पहले पिवट सेवन है, इसको एप्रोप्रिएट जगह बैठाने के लिए जो स्टेप फॉलो होंगे वो यहाँ लिख दो, हो सकता है ये फिल करवा लूँ आपसे, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके क्विज में अभी होंगे, हो सकता है मर्ज सॉर्ट का कोई सवाल हो,
परफॉर्मेंस ऑफ द क्विक सॉर्ट में पढ़ाना था मुझे आगे, द रनिंग टाइम किस तरह होगी, तो वर्ड सॉर्ट को मैं अभी लिख भी रहा था, वहीं से कट पेस्ट कर रहा था, तो वो ये हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. समझ आई बात ये? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें इसकी डेप्थ पता चले ना, ताकि हमें आगे किसी को पढ़ाने में भी आसानी हो. अच्छा जी, अनम्यूट कर देते हैं. अनम्यूट रिजवान. जी रिजवान बोलो. क्वेश्चन ये था, जैसे पार्टिशनिंग का हमने एल्गोरिथम पढ़ा है, उसी तरह से क्विक सॉर्ट भी के अंदर यूज होता है, जो कॉल होता है, तो उसका एल्गोरिथम हम कवर करेंगे इसमें, या वही सेम पार्टिशनिंग वाला ही होगा? कौन सा क्विक सॉर्ट का? क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल करते थे, देन क्विक सॉर्ट का मेन एल्गोरिथम ये रहा भाई, मतलब ये मेन एल्गोरिथम पढ़ लिया हमने, और क्विक सॉर्ट का जो इसके अंदर जो पार्टीशन वाला एल्गोरिथम है वो ये वाला एल्गोरिथम आ गया. अब हमें इसकी रनिंग टाइम अगर निकालनी होगी तो हम कहेंगे कि इसकी रनिंग टाइम निकालनी है हमें, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकाल, जो कि रिकर्सिवली खुद कॉल कर रहा है, बट एवरी टाइम आता है तो चेक करता है और पार्टीशनिंग करता है. सो मेन लॉजिक जो एल्गोरिथम की वो पार्टीशनिंग है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन क्योंकि रिकर्सिव भी टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो वो भी इंक्लूड होता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो बेसिकली कैसे लिखेंगे हम, इफ यू आर गोइंग टू राइट द कॉम्प्लेक्सिटी. हाँ ये पार्ट मिसिंग रह गया, अभी पहले हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे. तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ इस वक्त, तो आप बता सकते हैं, अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो एक जो डिफिकल्ट होगा, तो मैं कहूँगा कि ये बेसिकली आएगा टी एन, ठीक है, टी ऑफ एन स्मॉल लिख देते हैं, टी ऑफ एन विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर लिखने चाहूंगा मैं, के क्या लिखूंगा बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन प्लस, जी सर, और उसके बाद क्या इन दोनों के बारे में पता है मुझे कि ये सेम है, और सुनना, क्या दोनों के बारे में पता है कि दोनों की एरे की लेंथ सेम है, तो मैं लिख दूं कि टू ऑफ टी ऑफ क्विक सॉर्ट, इस तरह लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता इस तरह से. देखो इसलिए नहीं लिख सकता कि इन दोनों की लेंथ हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है. मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये डिफरेंट, अगर ये मर्ज सॉर्ट होता ना तो मैं कहता है हाँ दोनों की लेंथ हमेशा सेम होगी तो मैं लिख सकता हूँ टू, लेकिन इस वक्त ये डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये केस भी आ सकता है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. इसमें ये केस भी आ सकता है कि आपको ये दिया गया हो एरे, जैसे हुआ भी हमारे साथ, और आपको पिवट एलिमेंट ये मिल जाए. अब सोचो जरा, पिवट एलिमेंट ये मिल जाए आपको, तो ये वाला तो बहुत बड़ा एरे हो जाएगा, और ये एरे तो कुछ बच, इसके राइट साइड वाला एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, फिर मैं टू कैसे लिखूंगा इसको? समझ आ रही बात है? तो इसलिए यहाँ पर मैथमेटिकली इस तरह लिख नहीं सकते हम, ये जो लिखने का तरीका, तो फिर हमें सोचना होगा कि इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे. तो बेसिकली इसकी जो एनालाइज करेंगे हम इसको, तो वो डिपेंड तो करेगा इस पार्टीशन पे, यानी हमें किसी तरह पता चल जाए कि पार्टीशन इसका जो है वो कितना टाइम ले रहा है और ये दोनों कितना टाइम ले रहे हैं. तो फिर हम इन दोनों टाइम के लिए डिस्कस करेंगे कि इसका वर्स्ट केस क्या है और बेस्ट केस क्या है. तो वर्स्ट और बेस्ट केस को अलग अलग डिस्कस करेंगे, पार्टीशन दोनों में कॉमन रहेगा. तो पार्टीशन का एल्गोरिथम यहाँ से एनालाइज करो तो हमें नजर ही आ रहा है, अगर आप इतने मतलब इतना सारे क्लासेस ले रही है तो ये लीनियर है, क्योंकि एक फॉल्ट लगा हुआ है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, एक कंडीशन इफ की है, तो आप आसानी बता सकते हो कि ये लीनियर कैटेगरी में जाएगा. कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ आसानी, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन कैसे होगी वो हम वर्किंग करेंगे इसकी, के जीरो से यानी पी से लेकर आर तक चल रहा है और एक इफ है इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन. समझ आई बात है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू पी टू आर माइनस वन, पी टू आर माइनस वन और एक बेसिक ऑपरेशन है, यूँ लिख सकते हैं उसको, और इसको सॉल्व कर लेंगे. तो अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको भी हम सॉल्व करेंगे कि पार्टीशन का अलग से अलग कितना है, और जब पार्टीशन का मालूम हो जाएगा हमें तो हम इसको मर्ज सॉर्ट की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे टू करके नहीं लिख सकते, फिर हमें इसके वर्स और बेस्ट केस को अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि इसकी वर्स्ट बेस्ट केस की पार्टीशनिंग क्या है और वर्स्ट केस की पार्टीशनिंग क्या है, और फिर हमें यहाँ पे डिस्कस करके सॉल्व करना पड़ेगा. तो वो अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको जो मैंने लिखा ना परफॉर्मेंस मेजरिंग, वो उसमें हम बोलो सर, कंफ्यूजन एल्गोरिथम पे करा हुआ है. एल्गोरिथम कौन से, पार्टीशन के या मेन पे? पार्टीशन का एल्गोरिथम ये रहा सर, ये 4 के अंदर इफ आ रहा है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि सारी कंडीशन 4 की फिट हो, जरूरी नहीं है कि इफ के अंदर जाए या ना जाए, लेकिन इफ को तो कॉल हर दफा करेगा ना, इफ को करेगा नहीं करेगा,
गूगल करेगा हमेशा। हाँ, लेकिन इस इफ के अंदर कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा? Yes. इसका बेसिक ऑपरेशन कौन सा हुआ फिर? इफ हो गया, ठीक है। इफ 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 जो है इसका बेसिक, देखो ये तो एक दफा चलेगा एक्स वाला, ये भी एक दफा चलेगा, ठीक है। फॉर चलेगा पी से लेकर आर माइनस वन तक। फॉर के अंदर जो ये वाली इफ कंडीशन है ये हर दफा चलेगी, जितनी दफा फॉर चलेगा उतनी दफा ये इफ चलेगा, लेकिन इफ के अंदर की चीज नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि बेसिक ऑपरेशन इफ है। अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा कि मैंने कहा बेसिक ऑपरेशन जो है वो क्या है, इफ है, और एक ही है वो। इसको मैंने बेसिक ऑपरेशन नहीं कहा, मैंने इसको भी बेसिक ऑपरेशन नहीं कहा, इसको भी बेसिक ऑपरेशन नहीं कहा। अगर मैं वन बाई वन करूं जिसको हम कहते थे टोटल रनिंग टाइम, तो फिर मुझे सबको करना पड़ेगा। तो ये बार बार मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये एक ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन है, ये आर माइनस वन प्लस वन ऑपरेशन है, अगर मैं एक एक लाइन को करूँ, ये आर प्लस वन ऑपरेशन है, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ये हमें नहीं पता कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आर प्लस वन डिवाइड बाई टू टाइम्स, यानी एवरेजली हम ले लिया इसका हमने, आर प्लस वन डिवाइड बाई टू, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, ठीक है, और ये एक दफा चलेगा। तो ये इसका ये टोटल रनिंग टाइम है, लेकिन टोटल रनिंग टाइम निकालने की जरूरत नहीं हमें, तो हमें इस वक्त पार्टीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो हम कहते हैं भाई देखो ये दोनों लाइनें हमें इस बात को बता देंगी, ये जो है ये बेसिक ऑपरेशन है, और ये कितना है, एक ही बेसिक ऑपरेशन है कि जब एल्गोरिथम चलेगा और उसमें फॉर चलेगा तो ये हर दफा जरूर रन होगा, चाहे फेल हो चाहे पास हो, इसने टेस्टिंग होनी होनी है, समझ आई बात ये? तो हम यहाँ पे फिर यूं लिखते हैं कि भाई हमारे पास पार्टीशन एल्गोरिथम की जो रिजल्ट है वो यूं होगा कि हमारे पास जो जे का एल्गोरिथम है वो पी से चलेगा और आर माइनस वन तक जाएगा, और कितने बेसिक ऑपरेशन इसके अंदर है, एक बेसिक ऑपरेशन है, वो कौन सा, एफ है, एक। और जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करूंगा कि जब हम देखते हैं कि अंदर एक ही एलिमेंट है तो फिर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो क्या होता है, आर माइनस वन प्लस आर माइनस वन जो अपर लिमिट है माइनस पी प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आर माइनस पी, तो आर माइनस पी क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द एरे, यानी फाइनल इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, तो क्या मिल जाएगा, साइज ऑफ द एरे, तो एरे का साइज कितना है, एन, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन। तो ये हाँ बोलो, बेसिक ऑपरेशन तो उस वाली के बताते हो लॉग एन, वो तो उस वक्त होता है जब पार्टीशन हो रहा हो दो से, तो ये जब हम इसको जब हम यहाँ से निकल के जब यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेंगे ना इस वाले, तो यहाँ पर बेसिकली जब हम मेन पे पहुंचेंगे, तो मेन पे जब पहुंचेंगे तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये है कि मिसाल के तौर पे ये वाला जो है ये तो दे रहा है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ये दे रहा है हमें ऑर्डर ऑफ एन, ये तो दे रहा है ऑर्डर ऑफ एन, और ये जो दो हैं इसको भी करना बाकी है एनालाइज करना, ये बेसिकली पार्टीशन बना रहे हैं दो हिस्सों में, समझ आ रही है भाई, पार्टीशन का सिर्फ ये इंडेक्स दे रहा है, पार्टीशन बना तो ये रहे हैं ना दोनों, ये तो सिर्फ इंडेक्स रिटर्न करता है, पार्टीशन थोड़ी बनाता है, पार्टीशन का इंडेक्स दे देता है ये, अब ये पार्टीशन बना रहे हैं, तो अब जब यहां से दो हिस्सों में ब्रेक होना शुरू होगा तो ये बेसिकली लॉग की तरफ लेके जाएंगे आपको, समझ आ रही बात ये, तो ये फाइनली ऑर्डर ऑफ एन और लॉग एन की तरफ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा ये हम अगली क्लास में देखेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी हम बड़ा आसानी से एनालाइज करेंगे, थोड़ा लेंथी आधा घंटा लगेगा हमें इसको समझाने में, तो इसलिए मैं इसको अगली क्लास पे छोड़ देता हूँ, अभी टाइम भी ओवर हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ बोलो, मेन ऑपरेशन जो मेन लॉजिक होती है जो बेसिक ऑपरेशन होता है, बोलो, और इफ की कंडीशन के अंदर ब्रेक हो रहा है और वो एन वाला ऑर्डर था उसका, मैं तुम्हें बताऊं रिजवान, इसको इस तरह मेरी अपनी सजेशन ये है कि उसको इस तरह, मतलब अभी अगर हमारी बिगिनिंग स्टेज है ना, तो हम इस तरह तुक्के से ना करेंगे लॉग आएगा या नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे तो मैंने यहाँ पे कहा कि ये इफ हर दफा चलना है, तो मैं खुद तो समझ गया हूँ कि ये बेसिकली इसका आंसर ऑर्डर ऑफ एन आएगा, लेकिन जब मैं तुम्हें समझाऊंगा ना तो मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूंगा बाकायदा कि एक बेसिक ऑपरेशन है, और देखो ये इफ आया और इफ फेल हो गया और दोबारा फॉर पे गया, दोबारा नीचे आएगा दोबारा इफ पढ़ेंगे, पास हो गया तो अंदर भी आ जाएगा कोई बात, इफ तो चल रहा है ना हर दफा, इफ की कंडीशन का कंपैरिजन तो हो रहा है ना हर दफा,
तो मैं ये कहता हूँ कि इसको अगर देखा जाए और मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो गया हूँ तो ओवरऑल देख के बता दूंगा ऑर्डर ऑफ एन आएगा आंसर इसका, क्योंकि इसका एक बेसिक ऑपरेशन है और पी से लेके आर तक चल रहा है, पी से लेके आर तक जो चल रहा है ये बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ एरे है ऑलमोस्ट ना, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन ही रिजल्ट आना है इसका। लेकिन अगर मैं समझाने के लिए बैठूँ तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था इस तरह समझाऊंगा मैं आपको कि बेसिक ऑपरेशन एक है और ये समेशन साइन है बिल्कुल इस तरह से और ये फला से फला तक चलेगा। कोई मुझसे पूछे कि सर ये तो बेसिक ऑपरेशन आप क्यों कह रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन को कहते हैं जब आप एल्गोरिथम रन करें और फॉर के अंदर जो एलिमेंट है वो हर दफा चले, वो बेसिक ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर ये इफ बेसिक ऑपरेशन है जो हर दफा चल रहा होगा और ये दोनों भी कभी चलेंगे कभी, इसलिए उसको बेसिक ऑपरेशन है, इसलिए इफ को बेसिक ऑपरेशन मान लिया। कुछ लोग कहते हैं सर अगर दो होता तो क्या होता, तो मैं यहाँ दो लिख देता, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई कोई स्टूडेंट ये पूछ ले कि सर आप बेसिक ऑपरेशन को कहते हैं रनिंग टाइम, देखो दो वर्ड यूज किए थे रनिंग टाइम जो हम यहाँ पे कहते हैं ठीक है, और एक आप एक एक लाइन को करें तो उसको हम कहते हैं टोटल रनिंग टाइम, चाहे रनिंग टाइम करो चाहे टोटल रनिंग टाइम करो दोनों से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एनी आ रही है इसकी, क्योंकि मेजर रोल जो है यही प्ले कर रहा है इसका और जो इसका जो डायग्राम है ना वो यही बना रहा है, यानी इसकी जो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है ना वो यही चीज बना रही है। अब चाहे तुम पूरा चला लो चाहे ना चलाओ दोनों से बननी इसकी लीनियर है, और टोटल करोगे तो सबको कर लेंगे नहीं करोगे तो यहाँ पे आए, तो वो बेसिकली फर्क है। अब मैं तुम्हारे सवाल को अगर शायद नहीं पॉइंट गेट कर सका कि लॉग, तो मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट हम हिट करेंगे लॉग होगा या नहीं होगा, हम इसको एनालाइज करना शुरू करें, लॉग बन जाए तो लॉग करेंगे नहीं बने तो नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इफ की कंडीशन लगी होती है और पार्टीशनिंग हो रही यहीं पे हो रही होती है और इसके अंदर कोई दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे होते तो अगर लॉग लग रहा होता तो हम यहाँ पे भी लॉग लगा देते, इसमें कोई फर्क नहीं। तो हम तो ये देखें कि ये क्या कह रहा है इसको बस एनालाइज कर लें, ये वाला एल्गोरिथम क्या कह रहा है इसको एनालाइज कर लें, ये हमारा टास्क होना चाहिए। ये एल्गोरिथम क्या कह रहा है, तो हमने कहा ये एल्गोरिथम कह रहा है कि पहले इसकी इस क्यू पार्टीशन को एनालाइज करो, तो हमने कर लिया पार्टीशन को एनालाइज, और उसके बाद फिर आपने कहा कि इन दोनों को करो, तो अब इन दोनों को हम पहुंचे लेकिन किया नहीं इस, क्योंकि ये आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें ट्रिकी नजर से देखना पड़ेगा। तो जब हम इसकी तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉ वाली बात समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा चलो एक सवाल मैं पढ़ लू, उसके बाद आप इसमें अटेंडेंस में भेज दीजिएगा सर, आई आस्क सम क्वेश्चन रिलेवेंट, आप अगर यहाँ पूछना चाहती है वरना मैं आपको अनम्यूट करो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए जैसा आपकी मर्जी है। आपने वहाँ पूछा था मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ था, असाइनमेंट ऑन ईमेल बट यू डिडंट आंसर, हाँ मैंने आंसर नहीं दिया था, अगर आप यहाँ पूछना चाहते तो मैं ऑन कर दूँ आपको, वरना आप दोबारा ईमेल कर दें। मैं जी अपनी अटेंडेंस भेजें, मैं दोबारा ईमेल पे आपको रिप्लाई करता हूँ, अटेंडेंस भाई केयरफुली भेजें ताकि ये सेव हो, और कुछ लोगों को कंसर्न था कि उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क हो रही है, तो दो आई हैं भी जल्दी जल्दी भेजो, 10 स्टूडेंट हैं, 3 हो गए अटेंडेंस, बाकी लॉग ऑफ हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस कि आपने आज जो है वो पार्टिसिपेट किया क्लास को, अगली क्लास में हिप शॉट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसका रिमेनिंग पार्ट और हिप शॉट। सर एक और कंसर्न है सर, अगर मैं यहाँ पे रेस करना चाहूँ क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। ऑलरेडी मेरी असाइनमेंट की डेडलाइन आज रात तक है और शायद मैं एक्सीड कर दूँ। चलो मैं अभी तो सॉरी बात काट रहा हूँ तुम्हारी, मैं अभी इतना कंसर्न नहीं कर रहा कि किसी की असाइनमेंट देर से जमा हो रहा है या जल्दी जमा हो रहा है, बस जमा हो जाए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्विज में भी इसी तरह है कि आप जमा करें लेकिन कोशिश करें कि किसी आपस में डिस्कशन किए बगैर करें, तो फिर जितना लंबा ले लें कोई इशू नहीं है। टीचर को कंसर्न ये होता है कि आप देर से जमा करा रहे हैं तो उसको एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि शायद किसी और ने कर लिया था तो उससे देख के फिर आपने कराया इसलिए देर से करा रहे हैं, ये ना हो तो मुझे देर से करवाने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। अच्छा जी सारे हो गए 10 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक रह गया स्टूडेंट भाई, एक स्टूडेंट रह गया, आपने क्या बोला है सर? आई विल आस्क ऑन ईमेल, ठीक है मैं ईमेल पे आपसे बात कर लेता हूँ, मैं आज और मजीद पढ़ लेता हूँ ईमेल, नाम आपको ईमेल ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो पूरा हो गया, थैंक यू वेरी मच है। अच्छा देखो मुझे नहीं पता आगे 15 जुलाई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो एजुकेशन के लिए, तो हो सकता है कि हमारी फिजिकल मुलाकात ना भी हो, तो आपने एक उम्मीद थी ना पहले कि हम जो है वो शायद कुछ क्लासेस दोबारा से क्लासरूम में आके ले लेंगे, थोड़ा हमारा मसला भी हल हो जाएगा, तो मुझे शायद लगता है कि ऐसा ना हो सके,
और उम्मीद है कि हो भी जाए तो, लेकिन अगर आप ना होने वाले को सामने रखते हुए पढ़ें ताकि आप ये चीजें जो है बुक से कंसर्न करें और इन चीजों को सॉल्व कर रहे हो, ऐसा ना एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो जाए आपका और फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया, तो थोड़ा बहुत टाइम जरूर दें, रमजान खत्म होने वाले हैं, रमजानों में दें, रमजान के बाद दें, तो इस चीज को ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है सेम टाइम पे, कोई बात हो तो पूछ लेना ईमेल पे या चैट पे, किसी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो बता देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।